जो पीछे बैठे हुए हैं आगे थोड़े थाली आगे आ जाएंगे, प्लीज आगे आ जाएंगे, पीछे वाले आगे साइड में जो कुर्सी थाली है उसके आ जाएंगे। जितने सारे लोग पीछे हमारे भाई हैं आगे आ जाएंगे, काफी चेयर खाली है। तो क्या सर को दिया जाए माइक? दिया जाए? जिंदगी बदलना है, जिंदगी बदलना है तो अपने अंदर भी एक्साइटमेंट होना चाहिए, होना चाहिए। तो सर को एक बार मैं माइक दे रहा हूँ जोरदार तालियों के साथ। जय श्री राम। कैसा हो? मजा आ रहा है। थैंक यू। जनरली सभी सेमिनार में मेरी शुरुआत कैसे हो से ही होती है, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आज हम एक जनरल सेमिनार में नहीं है, ट्रेनिंग सेशन में हैं। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। मुंबई में लोग बात कहते हैं कि यहाँ के लोगों के पास मरने की फुर्सत नहीं है। तो मैं तो बचपन से सोचता था यार मरते ही नहीं होंगे, फुर्सत ही नहीं तो कैसे मरेंगे। तो सैटरडे के दिन सिर्फ 10 दिन पहले मेरी बात हुई थी यहाँ के सीनियर लीडरों से, और 10 दिन पहले मैंने कहा कि मेरा प्रोग्राम है बेलगांव में और अगर आप चाहें तो सैटरडे को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मेरी जो है वो ट्रेन है शाम को 6 बजे और आपको ये फंक्शन रखना पड़ेगा दिन में। तो बड़ा संडे को छोड़कर कभी भी दिन में फंक्शन आरसीएम का होता नहीं है, तो बड़ा अजीबोगरीब लगा। मैंने कहा भैया देखिए मेरे को छठे हुए लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, मुझे भीड़ भाड़ से कोई ज्यादा मकसद मतलब नहीं है। जब मैं मुंबई में पहली बार आया था तो मैं एक आदमी के लिए आया था, सिर्फ एक आदमी के लिए, और पूरे साउथ इंडिया में मेरा बिजनेस गया सिर्फ एक आदमी की वजह से। तो मेरी अपनी बार बार कहती है कि शेर के बच्चे दो ही अच्छे। क्या बोलती? शेर के बच्चे दो ही अच्छे। क्या बोलते थी? शेर के बच्चे तो ये अच्छे है ना, शेर के बच्चे है ना। यस। तो अगर शेर के बच्चे हैं तो कोई संख्या से फर्क नहीं पड़ता, वो दो आदमी पूरी दुनिया को नाप लेंगे आने वाले समय में। तो आज हम इस ट्रेनिंग सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि इतने मुंबई जैसी सिटी में जहाँ पर लोगों को मरने की फुर्सत नहीं है फिर भी आप आ गए और वो भी दिन में आ गए, है ना, सारे काम काज छोड़कर आ गए। तो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि आप अपने जीवन के प्रति क्या सोचते हैं, आप अपने जीवन के प्रति कितना सीरियस हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए कितना सीरियस हैं। ये सब बातें आपके सिर्फ आ जाने से पता चलती है। तो मैं बधाई देता हूँ आपको, एक बार आप अपने लिए ताली बजा लीजिए। धन्यवाद। लाइफ में बहुत टंटे हैं ना, और अभी हमारी सपना बेटी ने दीपक जी की वाइफ ने बोला था कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन बातों से लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब ऐसी ऐसी बातें बता दी और लास्ट में बोल दिया सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने कहा ठीक कैसे चल रहा है, थोड़ी समस्या आ रही लेकिन ठीक चल रहा है, और ट्रेन में अकेले सफर कर रही हूँ लेकिन ठीक चल रहा है। तो 8-10 बातें बोली, लास्ट में बोल दिया ठीक चल रहा है। और यही आज का विषय, ठीक चल रहा है, बोलोगे तो हो जाएगा, बोलोगे तो हो जाएगा। लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, आई नो वेरी वेल, अच्छी तरह से जानते हैं, और हर साल भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से यही बोलता है, समस्या बहुत है, बहुत जल्दी पूरी कर देंगे, है ना, हर बार यही तो आश्वासन देते हैं जितने भी प्रधानमंत्री बनते हैं, सब बोलते हैं समस्या। तो समस्या आपको है कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इकलौते आदमी नहीं है जिसको आप समस्या है। सबको अलग अलग प्रॉब्लम है, जो पैसे वाले हैं उनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, जिसको स्वास्थ्य अच्छा है उनको पैसे की प्रॉब्लम है। दुनिया में कोई ना कोई टंटा सबकी लाइफ में है, और अगर आप चाहें तो ये सारी जितनी प्रॉब्लम है ना वो एक सेकंड में एक चुटकी में आपकी खत्म की जा सकती है। चाहते हैं आप? 10वीं मंजिल से जाओ और कूद जाओ। समस्या ही खत्म ना, आदमी नहीं रहेगा तो समस्या कौन सी रहेगी बताओ? आदमी नहीं रहेगा तो समस्या रहेगी क्या? ये समस्या क्यों है? क्योंकि आप जिंदा हैं। समस्या क्यों है? तो जिंदा रहना जरूरी है कि नहीं है? तो रोज अल्लाह ताला भगवान से दुआएं करो कि समस्या देते रहना लेकिन जिंदा रखना। जिंदा रहना पहले जरूरी है। तो
तो ये चैलेंज चलते रहेंगे भाई, हर हाल में मुस्कुराना पड़ेगा। कई सालों से गीत गा ही रहे ना हमारे हिंदुस्तान में, हम होंगे कामयाब, गाते जा रहे। पता नहीं डेट तो बताओ, कोई कोई भी आदमी ऐसा माइक लाल नहीं जो डेट बता दे, और सभी कंफ्यूज, भारत का प्रधानमंत्री से लगाकर राष्ट्रपति, किसी को भी पता नहीं कितनी तारीख को कामयाब हूं। गाते ही जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन वाला गाना है। मुझे क्यों देख रहे हैं, मुझे भी पता नहीं। आप मेरे से ज्यादा असहमत रखिए, मैं भी आपकी तरह हूं, मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं कि कब कामयाब होंगे, लेकिन मुझे पता है कि कामयाब किस वजह से होंगे। ये पता है किस वजह से होंगे, वो एकमात्र वजह है, हर हाल में आपके मुस्कुराने से आप कामयाब होंगे। क्योंकि दुनिया आपके निकट तभी आएगी जब आप खुश मिजाजी रहेंगे, जब आपका चेहरा खिलखिलाता रहेगा। अंग्रेजी की एक कहावत है, टू अट्रैक्ट पीपल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव लोग आपके नजदीक आए, कामयाब लोग आपके नजदीक आए, कामयाबी आपके साथ आए, तो सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तो मतलब समझ गए ना, ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं अट्रैक्टिव बनना, इस तरह के अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान ने, अल्लाह ताला ने जो भी आपकी सकल सूरत दी है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। लेकिन जो भी थोपड़ा आपको मिला ना, उस पर मुस्कुराहट आप ला सकते हैं, ये आपके हाथ में। हंसते रहो यार, मुस्कुराते रहो, होने वाला काम होता रहेगा। आप क्या कर लोगे, जो काम आपके हाथ में वही तो करोगे ना, जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो। हमारे घनश्याम जी घबरानी है, वो बोलते हैं तीन तरह के दुखी होते हैं हिंदुस्तान में, तीन तरह के दो दुखी होते हैं। पहला, लोगों के दुखों से दुखी, वो भावुक आदमी होता है, इमोशनल होता है, जब भी किसी को समस्या में देखता है तो बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, और आप सब लोग इस कैटेगरी के हैं, आई नो वेरी वेल। लेकिन दूसरे तरह का दुखी होता है, लोगों के सुखों से दुखी। पहला कौन सा दुखी? लोगों के दुखों से दुखी, और दूसरा है लोगों के सुखों से दुखी। ये कैसे आगे बढ़ गया, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? दुखी। लेकिन तीसरे तरह के दुखी होते हैं, वो दुनिया के नायाब दुखी हैं, वो है खामोखा दुखी। खामोखा, जिसके दुखी का कोई कारण ही नहीं। यार हॉल तो बहुत सुंदर बनाया, लेकिन चेयर इतनी कम क्यों लगाई? तू लगा दे लाके, तू कर सकता है, लाके लगा सकता है, बना दे हॉल, कुछ नहीं कर सकता ना, तो फिर फालतू में बकवास क्यों कर? जो है उसमें बैठ जा, मस्ती से एंजॉय कर, जो भी समय है उसको एंजॉय कर भाई, क्यों फालतू का दुखी होता है? दुनिया को ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ऐसे हो जाना चाहिए, पार्टियां सब खराब है, तू बना ले पार्टी, तू बन जा प्रधानमंत्री, कुछ करके दिखा। बकवास करने से क्या मतलब, ठीक है जी। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है आप जो हैं लोगों के दुखों से दुखी हैं, और निश्चित रूप से आप उन दुखों को सुख में तब्दील करेंगे। और आज की, आज हमारे पास बड़ा ज्यादा समय नहीं है, ट्रेनिंग का विषय दो दिन का होता है, और खास तौर से एक दिन की जो पूरी ट्रेनिंग होती है उसमें एक सब्जेक्ट चार चार घंटे का होता है। जब आप रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएंगे, जब थोड़ा सीनियर साथी बनेंगे, टेक्निकल बनेंगे, तो गोवा में या अलग अलग हिल स्टेशन पर प्रोग्राम होते हैं दो दो दिन के। किसी ने अटेंड किए हैं यहाँ पर? आपने, हाँ, गोवा के साइड आपने अटेंड किए होंगे। वहां अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, विस्तृत ट्रेनिंग होती है, एक एक सब्जेक्ट पे दो दो घंटे तीन तीन घंटे तक बात होती है, तो बारीक से बारीक बात हमें पता चल जाती है, और हम कहते हैं ना दीमक प्रूफ बन जाते हैं, कोई भी आदमी हमें आके परेशान नहीं कर सकता। तो आज ये शानदार समय जो है एक घंटे का निकलेगा हमारा, कुछ नायाब चीजें हम अपनी जिंदगी के अंदर जानेंगे, कुछ बातें ऐसी होगी जो शायद आपने पहली बार सुनी होगी, पहली बार आपके जीवन में हो रही होगी, और कुछ बातें आपके एक्सप्रेशन को देखकर मेरी जिंदगी में पहली बार होगी। तो वास्तव में हर आदमी एक दूसरे का गुरु है। कई समय आप मुझे सिखाएंगे, और कई समय मैं जो मुझे पता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ट्रेनिंग क्या है? जीवन में कोई भी आदमी सिस्टम में आता है, और सिस्टम में जब आता है तो वो ट्रेनिंग लेता है, और ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत सारे काम जो बहुत भारी भारी लगते हैं वो उस आदमी के लिए आसान हो जाते हैं। पहली बार जिसने कभी चपाती रोटी नहीं बनाई,
वो घर पर जाकर उसको मनाने की कोशिश कर। मेरी गुड़िया हंस रही है, उसने शायद बनाई थी तो पहली बार टेढ़ी मेढ़ी बन गई थी उससे। तो पहली बार जब आप बनाओगे तो बनाने की कोशिश करना, तो आपको पता चलेगा नक्शा बन जाएगा, रोटी नहीं बनेगी, पता नहीं क्या बन जाएगा इधर से उधर। उसको देख देख कर खाने की इच्छा नहीं होगी, आप सोचेंगे इसको मैं म्यूजियम में लगा दूं, इस तरह की रोटी बनेगी। लेकिन उसी रोटी को आप बार बार बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। हमारी बहनें जो घर पे बनाती ना, फिर ना वो बातें करते करते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते करते भी रोटी बनाई तो भी गोल बने। इसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब ट्रेनिंग बार बार आप लेते हैं तो आप परिपूर्ण हो जाते हैं उस काम के अंदर, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंपनी नहीं, आप फिर 100 कंपनियों के मालिक भी बन जाओ। जैसे मुकेश अंबानी कितनी कंपनियां खोलता होगा, कितने उसके शोरूम होंगे, आपको आश्चर्य होगा कि वो अपने 99% पेट्रोल पंप पर कभी गया नहीं, 99% ऑफिस में कभी गया नहीं। लेकिन क्योंकि उसे सिस्टम आ गया, सिस्टम आ गया तो वो क्या करता है, बस एक आदमी को पकड़ता है, वो कहता भैया तेरे अंदर दिमाग है, टेस्ट ले लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, IIT का एग्जाम तूने दिया, टेस्ट तो तूने दिया है और तू पास भी नंबर 1 हुआ है, मैंने तेरा रिजल्ट देखा है, अब बोल तेरी कीमत। वो बेचारा आदमी पहली बार में घबरा जाता है, वो सोचता कम मांगू कि ज्यादा मांगू, क्या ज्यादा मांगू निकाल तो नहीं देगा, और कम मांगूंगा तो कहीं नुकसान नहीं हो जाएगा। तो डरता डरता बेचारा मिडिल क्लास सेट होता है, वो कहता मुझे 1 करोड़ दे देना, 2 करोड़ सालाना दे देना। और वो बड़ा IIT इंजीनियर जिसके पास मुकेश अंबानी से 10 गुना ज्यादा दिमाग है, उसको मुकेश अंबानी हायर कर लेता है। और फिर हायर करने के बाद कहता भाई साहब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आपके घर में कोई भी बीमार होगा मेडिकल अलाउंस, आपके पूरे जीवन में साल में 2 बार विदेश यात्रा, घर आपको फ्री में, 4 कारें भी साथ में मिलेगी, पैसे का कोई टंटा नहीं रहेगा जीवन, बस समस्या एक ही है, मेरे को अगर कमा के नहीं दिया ना। अब फिर वो आदमी दिमागदार मुकेश अंबानी के लिए काम करना चालू करता है दिन रात, और फिर देखता है कि आप अपनी कीमत से कई गुना ज्यादा अपने दिमाग से मुकेश अंबानी को अदा कर देते हैं। ये दुनिया की परंपरा है, सिस्टम का नाम ले रहा हूं। AK-47 का राइफल का जो कारतूस होता है ना, कितना पावरफुल होता है आपको पता है, वो अगर 5 से लगाया जाए तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो 5 आदमी को एक साथ छल नहीं कर सकता, यानी 5 को एक साथ लगाए इधर से चलाए तो 5 को चीरता हुआ कारतूस निकल जाता है, इतना पावरफुल। तो यहां पर कारतूस पावरफुल है कि राइफल पावरफुल है ना, दोनों ही पावरफुल नहीं है, सिस्टम पावरफुल है, दोनों ही एक साथ लगे ना तो पावरफुल है। अगर केवल राइफल दे दे कुछ कर दोगे आप, और कारतूस दे देते दे। जैसे जेल से निकाल ले तेरी पाकिस्तान 12 बजे, ऐसे मारोगे कुछ होगा क्या? कुछ नहीं। उन दोनों को साथ में लगाने के बाद जब सिस्टम बनाया जाता है कारतूस राइफल का, वो सिस्टम इतना पावरफुल होता है जो उन दोनों की ताकत को 100 गुना ज्यादा कर देता है। आप सब लोगों के अंदर ताकत है, आप सब लोग काम कर रहे हैं, आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं। 99% डिस्ट्रीब्यूटर से जब मैं मिलता हूं तो कहता भाई साहब बड़ी समस्या है। मैंने कहा क्या? भैया रात दिन भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, फुर्सत नहीं लेता हूं, नाश्ता टाइम पर नहीं करता हूं, सेमिनार में जाता हूं, मीटिंग में जाता हूं, ट्रेनिंग में जाता हूं, 2 आदमी को प्रोडक्ट बताता हूं, प्रोडक्ट बेचता हूं, काम नहीं चल रहा, मजा नहीं आ रहा। मेहनत से अगर कामयाब होते तो दुनिया में तो मेहनत करने वालों की खदान है भाई, इससे ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है। पूरी दुनिया में जब मजदूर की संख्या गिनी जाती है ना तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग होते हैं, तो मेहनती तो सबसे ज्यादा हम हुए, तो फिर कामयाब हम ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ मेहनत से आप कामयाब नहीं होंगे, सिस्टम से कामयाब होंगे। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज इज इक्वल टू लक, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज इज इक्वल टू लक। अगर सही जानकारी है तो किस्मत चलने वाली है, और जानकारी गलत है तो कितनी भी मेहनत कर लो किस्मत चलने वाली है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ट्रेनिंग चालू करते हैं। एक आदमी दुनिया का सबसे बड़ा जोरदार सबसे टेस्टी समोसा बनाता था, उसका समोसा इतना हिट था
कि कोई भी अगर उसका समोसा खा लेता था ना तो वो उसकी जिंदगी में जब तक 100 बार नाम उस समोसे वाले का नहीं ले उसका समोसा हजम नहीं होता था। इतना जोरदार समोसा उसकी समोसे की जब भी उस गांव में कोई जाता था तो सब लोग कहते थे भाई साहब यहां आए हो तो यार वो समोसा जरूर खा के। एक बार प्रधानमंत्री आए उन्होंने समोसा खाया उनको भी जोरदार लगा उन्होंने सर्टिफिकेट दिया ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समोसा वाला है नीचे साइन किए नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति आया उसने भी साइन करके दे दिया। जो भी समोसा खाता था अमिताभ बच्चन से शाहरुख खान तक सबने सर्टिफिकेट दे दिए और उसका पूरा घर सर्टिफिकेट से भर गया। धीरे धीरे ये बात पत्रकारों को पता चली उन्होंने कहा इतना जोरदार कोई समोसे वाला हमें पता नहीं है आज इसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो उन्होंने गांव की तरफ रुख किया इंटरव्यू लेने जाने के लिए। जब पता पूछा तो एक तरफ बहुत सारे बंगले बने हुए थे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हुई थी और एक तरफ झोपड़पट्टी थी। रोड का इधर उधर वाला हिस्सा बीच में कोई आदमी खड़ा था उससे पूछा कि ये रामलाल समोसे वाला कहां मिलेगा। उसको 100% आशा थी कि वो बिल्डिंग की तरफ इशारा करेगा लेकिन उसने झोपड़पट्टी की तरफ इशारा किया। कंफ्यूजन हो गया ऐसा नहीं हो सकता ये गलतफहमी में होगा। उसने दूसरे से पूछा तो दूसरे ने भी कहा कि झोपड़पट्टी की तरफ रहता है। अल्टीमेट उसने बात पाली झोपड़पट्टी की तरफ गया। एक आदमी कपड़े सुखा रहा था उसे पूछा रामलाल कहां मिलेगा समोसे वाला। वो क्या बोलिए बताइए बताइए नहीं बोलिए क्योंकि मैं ही हूं। उसको और आश्चर्य हुआ दुनिया का सबसे बेहतरीन समोसा बनाने वाला आदमी एकदम फ्री पड़ा। उसने कहा भाई साहब कोई गलत फहमी तो नहीं होगी समोसे वाले हो ना। हाँ समोसे वाला वो प्रधानमंत्री वाले ही ना। हाँ प्रधानमंत्री वाले देख सर्टिफिकेट सर। ओहो पत्रकार का दिमाग खराब इतना खराब किया ऐसा कैसे संभव है जो सबसे बेहतरीन बनाता हो तो सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ उससे कमजोर समोसे बनाने वाले ने कई शोरूम खोल दिए कई दुकानें खोल दी लेकिन उसका नहीं चला। जो खूब इंक्वायरी की बहुत ज्यादा आगे तहल तक जाकर इंक्वायरी की और उससे पूछा कि भाई हमें तो आश्चर्य हो रहा है ऐसा तो कभी सुना नहीं आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी समोसे की दुकान कहां है और कब खोलते हो। वो कहता समोसे की दुकान है शमशान के गेट पर रात को 11 बजे खोलता। क्या बोला कितने लोग जाएंगे समोसा खाने के क्या बोला उसने समोसे की दुकान है शमशान के गेट पर और खोलता हूं रात को 11 बजे। अब तू दुनिया का कितना भी बेहतरीन समोसा बना ले कोई भूत के साथ जाएगा जहां आवाज आएगी समोसा खाने जाएगा भाई जाएगा कोई नॉलेज होना चाहिए ना समोसा कब खाया जाता है कहां खाया जाता है किन व्यक्तियों के द्वारा खाया जाता है। जहां 90 साल के आदमी जिनकी पाचन क्षमता खत्म हो गई उनके घर के बाहर समोसे की दुकान खोलोगे खाएगा वो नॉलेज होना चाहिए ना। हाँ अगर किसी कॉलेज की कैंटीन में समोसे की दुकान खोलोगे खूब चलेगी। तो समोसा कहां बिकता है कौन खाता है ये बेसिक नॉलेज है सिर्फ बनाने से नहीं होगा। आप कितनी भी भाग दौड़ कर लो कितना भी घूम फिर लो बेसिक नॉलेज नहीं है नहीं चलेगा कितनी भी ताकत लगा लो। और फिर आप सिस्टम को बदनाम करते रहना अपलाइन को बदनाम करते रहना डाउनलाइन को बदनाम करते रहना। कुछ लोग कहते मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि डाउनलाइन गड़बड़ मिल गई। कुछ लोग कहते कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अपलाइन गड़बड़ मिल गई। कुछ लोग कहते गलत कंपनी में फंस गया था। कुछ गलत नहीं होता किसी भी गलती की शुरुआत खुद से होती है। हर चीज आपके सामने है हर चीज में आपको कामयाबी नजर आएगी हर फील्ड में आपको कामयाबी नजर आएगी लेकिन करेक्ट नॉलेज के साथ आपको काम करना पड़ेगा। हेलो आज मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और अब करेक्ट नॉलेज की तरफ बात करें। मेहनत तो आप सब लोग करते हैं ना मेहनत करते हैं इतना काम करते हैं फिर भी हम कामयाब लोगों की श्रेणी में नहीं। आज हम बात कर रहे हैं आरसीएम के बेसिक के बारे में आज हम बात करेंगे आरसीएम के कोर स्टेप्स के बारे में और आज हम बात करेंगे आरसीएम के कोऑर्डिनल रूल्स जो है उसके बारे में और इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है ताकत लगाने से कुछ होने वाला नहीं। अगर आपके पास पेन और डायरी है तो आप जरूर मेरे जो मैं बताता हूं उसको आप नोट कीजिए और अगर पेन है और डायरी नहीं है तो सामने वाले का शर्ट आपके लिए हाजिर है लिख डालो लेकिन कहीं ना कहीं लिख डालो आपके लिए फायदेमंद चीज आपके लिए रहेगी।
फर्स्ट बोलूंगा मैं, बोलूंगा चिंता मत कीजिए, हर हाल में खुश रहना, दिखे चाहे नहीं दिखे, हर हाल में खुश रहना, सब बताऊंगा मैं आपको। अगर ऐसे लिखना ही होता तो मैं आपको व्हाट्सएप भी भेज देता, मैं क्यों इकट्ठा हुए यहाँ, हम डिस्कस करेंगे। ये आसान बात नहीं, ये तो बचपन से, जिस दिन आप ज्वाइन किए थे ना आरसी में, उसी दिन बताई दी गई थी। लेकिन इस बात को फिर भी आज मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम इसको थोड़ा गलत समझते हैं। इसमें लिखा है यूज द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट। सबसे पहले आप समझ जाइए कि आप एक बिजनेस में आए हैं, किसमें आए हैं, एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में नहीं आए हैं, एक संस्था जो सामाजिक कार्य करती है उसके अंदर नहीं आए हैं, आप एक बिजनेस में आए हैं और इसका नाम भी आरसीएम बिजनेस है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 दिसंबर में जो गाइडलाइन बनाई थी उसमें भी लिखा था डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन, यानी सेल करने वालों की। सेल किसमें होता है, बिजनेस के अंदर होता है। यानी इस पूरे एक शब्द सेल के पीछे पीछे आप घूमते रहेंगे, आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। यूज द प्रोडक्ट, अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हो, आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे, अब मजबूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा मैं बता देता हूं। आपकी एक मिठाई की दुकान है और आपके घर पे एक मेहमान आता है, आप फट से पड़ोसी की दुकान से मिठाई लेकर आ जाते हैं। इससे आसपास वाले और आपका जो पड़ोसी है और आपका जो मेहमान है क्या क्या सोच सकता है बताइए, बोलो, यानी इसको इसकी खुद की मिठाई पे भरोसा नहीं है। यहां से पहले खान चालू हो जाता आपका बिजनेस। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, जहां पर भी एक्सक्यूज क्योंगे करोगे खत्म हो जाओ। एक्सक्यूज आपसे ज्यादा हमारे पास है। हर आदमी को आरसीएम बिजनेस में कोई ना कोई समस्याएं नजर आती होगी, है ना मेरी बहन। कई लोग फोन करते हैं, सर थोड़ा सा ये सिस्टम सही कर दो, थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा सा ये कर दो। और मजे की बात है कि आप सब लोगों को मैं यहां स्टेज पे बुलाऊं, हर आदमी एक यूनिक समस्या बता सकता है। और मजे की बात है कि आप सब बता दो, उसके बाद 10 और बता सकता हूं मैं। लेकिन क्या इन समस्याओं को बताने का पैसा आपको मिलता है कि समस्या खत्म करने का मिलता है? खत्म करने का पॉइंट पे आ जाइए। समस्या खत्म करने का पैसा मिलता है, बताने का नहीं मिलता। समस्या बताती है जनता, इसलिए जिंदगी पर वोट देती है, हाथ को काला करती है। समस्या को खत्म करने वाला प्रधानमंत्री होता है, वो किस जगह पर बैठा रहता है पता है? तो आज के बाद समस्या निवारण करनी है, प्रोडक्ट यूज। पहला यूज करना इसलिए जरूरी है कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट जब तक आप यूज नहीं करोगे आपके सेल में वजन नहीं आएगा। अगर यूज किए बगैर सेल करने की कोशिश करोगे तो आपको गंजे को कंगी बेचने वाला सेल्समैन बनना पड़ेगा। कौन सा सेल्समैन बनना पड़ेगा? गंजे को कंगी बेचने वाला। कुछ सेल्समैन बहुत होशियार होते हैं, सर ये कंगी है ना, गंजे पर बार बार रगड़ोगे ना, अलग अलग तरह के सेल्समैन है भाई। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के आदमी भोले हैं, इमोशनल से भरे हुए हैं। वो देखते साले इतने साले प्रयोग कर दिए, किसने कहा गोबर लगा लिया, गोबर लगा लिया, गोमूत्र लगा लिया, किसने क्या क्या बोला, सब कुछ कर लिया, चल कंघी भी लेके देख लेते हैं। और 2 महीने तक बेचारा रोज कंघी अपने टकले पर फेर रहा है। अब अगर बाल नहीं आए तो क्या अगली बार आपको टकला नहीं किया जाएगा जब आप जाओगे वहां? समझो मेरी बात।
अगर आप बिना प्रोडक्ट को समझे हुए किसी गलत आदमी को गलत चीज सेल कर देते हैं तो उसका इफेक्ट इतना आता है कि उस पूरे मोहल्ले में आपकी नो एंट्री होने वाली है। आप नजदीक भी नहीं जा सकते वहां पर, क्योंकि उसने समस्या क्या बताई और आपने प्रोडक्ट क्या दे दिया, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के यूज के बारे में कोई तरीका ही आपको पता नहीं, कोई ट्रेनिंग ही आपको पता नहीं। यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट अगर आपने ढंग से किया तो सेल द प्रोडक्ट ऑटोमेटिक होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जीवन भर ऑटोमेटिक सेल करते आए हैं, लोगों की सेल करते आए हैं, खुद की तो छोड़ो। मैंने ज्यादा फिल्म नहीं देखी, लेकिन मेरी जीवन की सबसे अच्छी फिल्म थी थ्री इडियट। मेरे दोस्त ने उस समय कहा कि थ्री इडियट देखने चलेगा, मैंने कहा मैं टाइम खराब नहीं करता फिल्मों पे, तू देख के आ जा, तुझे अच्छी लगेगी तो तेरे पर विश्वास है, तू मेरा दोस्त है बचपन का, मैं जाऊंगा। वो गया, फिल्म देख के आया, मैंने भी छेड़ते हुए धीरे से उसे पूछा, हाँ भाई फिल्म देखने गया था कैसी लगी। जब मैंने उससे ये पूछा तो वो आदमी एकदम सीरियस हो गया, उसने गर्दन को थोड़ी सी टेढ़ी की, एक आंख को बंद की और मुझे बोला, भाई साहब क्या बोला, कहाँ बोला? मैंने उसे बोला फिल्म कैसी लगी, उसने कहा क्या बोला, कहा जबरदस्ती बोला यार, कहा बोला जबरदस्ती, मैंने उसको कहा फिल्म कैसी लगी, उसने कहा क्या बोला, इशारा किया, अब बताओ कोई आदमी फिल्म के बारे में कॉन्फिडेंस से ही बोले भाई साहब फिल्म, सामने वाले को पूरी स्टोरी समझ में आती कि नहीं आती? दुनिया के सारे आदमी ऐसे ही फिल्में हिट करते हैं कि नहीं करते? मुझे उसने ये नहीं बताया कि कौन सा उसके अंदर गाना था, कौन सा हीरो था, कौन सी हीरोइन थी, कौन डायरेक्टर था, कौन प्रोड्यूसर था, नहीं बताया गया। मुझे सिर्फ ये बोला गया कि फिल्म कैसी, पूरी फिल्म मुझे समझ में आ गई एक सेकंड के अंदर, और मैं मंडे के दिन फिल्म देखने गया। हेलो, आ रही क्या बात समझ में? प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यूज कभी किया ही नहीं खुद ने, होता क्या इसे पता ही नहीं, और बेचने निकल गए गंजे को कंगी बेचने वाले सेल्समैन। मनीषा मैडम ने बताया ना कि किसी तरह मुर्गा फंसा लो, कैसे भी करके कुछ भी बोल के दे दो, तो फिर आपको रेलवे स्टेशन पर दुकान लगानी पड़ेगी जहां पर रोज नए ग्राहक आते हैं। दिल में अगर छाना चाहते हो तो आपको सही बोलना पड़ेगा, और सही तभी बोलोगे जब अंदर से किसी चीज का इस्तेमाल करके आप देखोगे, जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आप नहीं बोल सकते कुछ। अगर सही तरीके से प्रोडक्ट यूज किया तो लोगों की फिल्म को आपने सेल कर दिया, खुद का प्रोडक्ट भी सेल नहीं होगा। Yes. अरे मेरे भाई होगा, मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको कैसे होगा। आरसीएम की टोटल सेल का 33% सेल है ओनली आरसीएम हैज गॉट ऑयल। हेलो, क्या आंकड़ा बताया मैंने? टोटल 250 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट की सेल कितनी है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आरसीएम में नहीं है जिसकी 33% एक प्रोडक्ट की सेल, सिर्फ एक, और हेल्थ गार्ड ऑयल। और प्रयोग करके बताता हूं, यह कितने ऐसे आदमी जिन्होंने हेल्थ गार्ड ऑयल इस्तेमाल किया हुआ? वेरी गुड। एक और आंकड़ा बताता हूं, साबित ही हो जाएगा इस बार तो। आरसीएम में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं ना, उसमें 99.99% आदमी ज्वाइनिंग की पहली परचेजिंग में हेल्थ गार्ड ऑयल इस्तेमाल करता। हेलो, अब मुझे बताओ इतने सारे प्रोडक्ट हैं, वो आदमी इसी प्रोडक्ट को क्यों लेता है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, खुद ही समझ जाएंगे। नहीं, उसको ज्यादा बताते फाइनल, क्यों बताते ज्यादा? खुद के ऊपर। अच्छा, क्या यूज करने से बता देगा कोई आदमी, या यूज करके अच्छा लगेगा तो बताएगा? यूज करके अच्छा लगेगा तो क्या दूसरे प्रोडक्ट बेटर नहीं लगते? तो फिर हेल्थ गार्ड ऑयल क्यों?
आप खुद ही फंस जाएंगे और आप खुद का आंसर खुद ही दे देंगे। क्योंकि जब आप उस प्रोडक्ट को पहली बार जब आपकी अपलाइन ने कुछ भी कहकर दिया तो आप उस प्रोडक्ट को ले गए घर पे, आपने यूज किया तो सबसे पहले खुद ने आपने टेस्ट किया कि नहीं यार बेस्ट है, हमारी सब्जी का जो टेस्ट है बदला है, अच्छा हुआ। फिर बीवी ने कहा कि सुनो जी ये जो ऑयल है ना ठीक है, ये जलता भी कम है, इसका टेस्ट भी जोरदार आता है, क्योंकि इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं इसलिए सब्जी का टेस्ट आता है। दुनिया के हर तेल के खुद के टेस्ट होते हैं, सरसों का तेल का टेस्ट होता है, मूंगफली के तेल का टेस्ट होता है, सोयाबीन के तेल का टेस्ट होता है, अकेला हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता और उसकी कोई खुशबू भी नहीं होती, तो जो भी उसके अंदर बनाते हो वो उभर के आ जाता है। तो जब बच्चे ने डाइट बढ़ा दी, बीबी ने रिकमेंड कर दिया, मां बाप ने ओके कर दिया, खुद को मजा आ गया, तो अब जब किसी को आप ज्वाइन कराते हो ना तो स्ट्रांगली रिकमेंड करते हो, स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली। जब प्रोडक्ट छाट रहा होता है ना तो आप फट से एक पाउच उठा के लाते, ये तो ले लो, ये तो ले लो, गजब का सर, ये तो इतना गजब का ऑयल है सर कि हमारे जब से हमने घर में चालू किया, बच्चे ने अपनी डाइट बढ़ा दी और बीवी ने नए नए पकवान बनाना चालू कर दिया, आप गजब की तारीफ करना चालू करते हो। सामने वाले को पता ही नहीं है कुछ भी, सामने वाला आप जो बोल रहे हो उसका एक भी शब्द उसके अंदर जा ही नहीं रहा है, वो तो आपका कॉन्फिडेंस देख रहा है। क्या कॉन्फिडेंस देख रहा है कि जैसे मैं बताता हूं, जैसे इस माइक को म्यूट कर दो यानी आवाज बंद हो जाए तो अब सामने वाला को क्या दिख रहा है, मैंने किसी को रिकमेंड करना है एलगार्ड ऑयल और मेरी आवाज बंद हो जाए तो मैं अब जो बोला उसको मेरी एक्शन से देखिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इस्तेमाल किया दिल से, और इस्तेमाल किया तो मन से रिकमेंड किया, और जब मन से कोई चीज रिकमेंडेशन होती है ना सामने वाले आदमी के दिलों को चीरती हुई चले जाती है, कोई रोक नहीं सकता उसकी बात को। एक आदमी, एक लेडीज है, अभी मेरी सेमिनार थी वर्धमान बंगाल में, और मजे की बात है वो एक लेडीज थी, उसका एक छोटा बच्चा था, उसको उसने न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया और बच्चे को सांस की प्रॉब्लम थी बचपन से, कई डॉक्टर को उन्होंने बताया था कब चलता था उसको, 2 महीने तक लगातार न्यूट्रीचार्ज किट्स देने से उसकी वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। और आपको आश्चर्य होगा वो लेडीज है ना 100 डब्बे न्यूट्रीचार्ज किट्स के बेचती है पर मंथ, तो दूसरा प्रोडक्ट की बात नहीं करती, वो फुल कॉन्फिडेंट है, वो जब किसी के पास जाती है तो वो उस प्रोडक्ट की खास बात बताती है और सामने वाला आदमी उस प्रोडक्ट को नहीं सुनता, वो उसके चेहरे को देखता है, इतना कॉन्फिडेंस से कोई बोल सकता है, जरूर कोई ना कोई खास बात है। यूज द प्रोडक्ट, अपने आप होगा, सही तरीके यूज करो, रिकमेंडेशन ऑटोमेटिक निकलेगी। अब ये सेल कैसे होगी, जब प्रोडक्ट यूज कर लोगे दिल से कोई बात निकलेगी, 3 काम आपको करने हैं। पहला, जिस भी प्रोडक्ट को आपको सेल करना है उन 5 प्रोडक्ट को आपको चयन करना है, आपको मास्टर बनने की जरूरत नहीं है 250 प्रोडक्ट के, हम गलती यही करते हैं। दुनिया में कोई भी डॉक्टर भी वैल्यूएबल तब होता है जब वो स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है ना वहां पर लोग दूर दूर से आते हैं, उसको केवल एक बीमारी पर वो काम करता है लेकिन पूरी दुनिया उसको जानती है, और एक फिजिशियन होता है वो जनरल बीमारी को ठीक करता है, कई फिजिशियन होते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फीस 25,000 रुपए पर पेशेंट हो सकती है, लेकिन फिजिशियन की तो ज्यादा से ज्यादा फीस मुंबई के अगर मरीन लाइन पे चले जाओ तो मैक्सिमम 1500 रुपए होती है, बाकी तो 100 रुपए 50 रुपए होती है। जो 5 प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं, जो जिन 5 प्रोडक्ट को यूज करके आपके दिल से निकलता वाह क्या बात है, उन 5 प्रोडक्ट को चयन करो और उन 5 प्रोडक्ट पर काम करना चालू करो। तो घर में भी क्या हम 5 प्रोडक्ट यूज करेंगे? हेलो, थोड़ा कंफ्यूजन निकल जाना चाहिए, नहीं
ये आपकी दुकान है, घर पे तो प्रोडक्ट तो सारे यूज करने हैं, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। लेकिन उन 5 प्रोडक्ट जो आपको सबसे बेहतरीन लगते हैं, उस 5 प्रोडक्ट को आप उठा लीजिए। उन 5 प्रोडक्ट पर आपको 3 काम करने हैं। पहला, जानकारी हासिल करो, नॉलेज दीजिए। प्रोडक्ट का क्या लेना है? नॉलेज, A to Z नॉलेज। लेकिन गलती ये होती है कि 90% लोग ये मानते हैं कि पढ़े लिखे आदमी ही नॉलेज ले सकते हैं। ये आपकी गलत फहमी है। कामयाबी कभी भी डिग्री देखकर नहीं आती। कामयाबी तो अंदर का निचोड़ होता है। क्या सर्टिफिकेट बता दो आपको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी? सर्टिफिकेट बताने से एक बेहतरीन नौकरी मिल सकती है, कामयाबी नहीं। कामयाबी बिल्कुल अलग चीज है, नौकरी बिल्कुल अलग चीज है। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप बिल्कुल एक क्लास भी नहीं गए, फिर भी कामयाबी आपके लिए हो सकती है। आपको काम कराने का तरीका आना चाहिए। आप अनपढ़ हैं कोई बात नहीं। एक अमेरिका में एक बहुत बड़ा नेटवर्कर है और आपको आश्चर्य होगा कि इसकी एक दिन की इनकम इंडिया के हिसाब से 1 करोड़ रुपए पर डे है। 30 करोड़ पर मंथ इनकम है और वो अंधा है बाय बर्थ, बचपन से ही अंधा है। 1 करोड़ रुपए की इनकम है। पत्रकार ने उसे पूछा, अरे आप तो अंधे हैं, इतनी इनकम कैसे आ गई? उसने कहा, मैंने अंधे को ज्वाइन नहीं कराया, सिंपल। हेलो, समझ रहे हो मेरी बात? आप क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस दिशा में काम कर रहे हो उससे फर्क पड़ता। काम करने का तरीका आना चाहिए ना। जैसे आप अनपढ़ है कोई बात नहीं, आपका पोता तो पढ़ा लिखा है ना, पढ़ रहा है ना, वो पोते के लिए लाइए बढ़िया एकदम कैडबरी सिल्क 100 रुपए की और दूर से दिखाइए कि बेटा ये जानकारी तू मुझे अगर नेट पे ढूंढ के बता देगा तो शाम को तुझे मिलने वाला। नॉलेज लीजिए, जाइए जाइए गूगल पर, जाइए इंटरनेट पे, जाइए किताबों के अंदर, जाइए अपलाइन के पास, जाइए डाउनलाइन के पास, जाइए विद्वानों के पास, लेक्चर के पास, प्रोफेसर के पास, पुस्तकों के पास, अखबारों के पास, लीजिए नॉलेज। लेकिन पर्टिकुलर 5 का हम क्या मेमोरी फुल भर के रखते हैं, ऐसी ऐसे नॉलेज रखते हैं जिससे हमारी जिंदगी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ोसी की लड़की किसके साथ भाग गई है, फुल नॉलेज क्या रखेगा उससे आपकी जिंदगी। पानीपत का युद्ध कब हुआ पता आपको? पता कोई जानता है? हाँ? नहीं बताना किसी को, पता मत रखना, कुछ भी नहीं होने वाला उससे। कितनी भी तारीख को हो तुम्हारे क्या मतलब, हो गए ना पास, दे दिया ना एग्जाम, अब उस फील्ड में है तो ध्यान रखो। लेकिन जब आपका फील्ड नहीं है, अब नई कहानी चालू हो गई है, अब नई नॉलेज की बात करो। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ऐसी कोई चीज अंदर जाने मत दो जिसमें बीवी नहीं हो। हेलो, हंसी आ रही है? हंसने वाली बात नहीं है। कामयाब होना चाहता है तो 5 साल के लिए फोकस, फोकस सिर्फ उस पर कि मैं उस बात पर बात करूंगा जिसमें बीवी हो। लेकिन कुछ लोग ना गलत समझ जाते हैं, बीवी को बीवी समझ जाते हैं, फिर उल्टा पुल्टा समझ जाते हैं। मेरा एक दोस्त है हरियाणा में, वो मुझे कहता है, यार भाई साहब रामदेव जी है ना बहुत झूठ बोलते हैं। कौन? दाढ़ी वाले पतंजलि 10,000 करोड़ टर्नओवर। वो कहता है बहुत झूठ बोलते हैं। क्यों? वो कह, यार उसने कहा सांस को अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ प्रॉब्लम दूर। मैं पिछले 5 साल से रोज सांस को बाहर ले जाता हूं अंदर लाता हूं प्रॉब्लम वही की वही। मैंने कहा बेवकूफ, उसने सांस के लिए बोला तू सांस को ले जा रहा है, गलती ये हो जाती है। सुनते हम सही नहीं है और प्रोनंसिएशन गलत होते हैं, आप गलत समझ जाते हो। वो बेचारा रोज अपनी सांस को घुमाने ले जा रहा है बाहर अंदर बाहर अंदर, प्रॉब्लम कैसे जाएगी सांस के लिए।
इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज लीजिए। बोलिए पोते से कि बेटा नहीं आती अंग्रेजी, हिंदी में बोल रहा हूं, अंग्रेजी करके लिख इसके अंदर। राइस ब्रांड क्या है लिख गूगल पर। नॉलेज की शुरुआत कैसे करनी, क्योंकि जो पांच प्रोडक्ट आपने लिए उसके पूरी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ए टू जेड। राइस ब्रांड क्या है गूगल पर लिखा आएगा। चावल के ऊपर एक छिलका होता है, छिलके के ऊपर एक छिलके के नीचे एक भूरे कलर की परत होती है, उस परत को ब्रांड कहते हैं। उसमें लिख इस ब्रांड का क्या यूज है, तो गूगल बोलेगा इस ब्रांड के बहुत औषधीय यूज हैं, लेकिन इसका सबसे बहुतायत मात्रा में ऑयल निकाला जाता है। उसमें लिख राइस ब्रांड ऑयल काम क्या आता है, उसका काम बहुत सारे मेडिकल पर्पज से आता है, लेकिन सबसे ज्यादा काम खाने के काम आता है, तो उसमें लिख खाने का सबसे अच्छा तेल कौन सा होता है, तो उसमें रिजल्ट आएगा ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल। अब यहां पर आप टेंशन में आ जाओगे, बात तो आप राइस ब्रांड की पता कर रहे हैं, वहां ऑलिव ऑयल लिखा हुआ है, आप ऑलिव ऑयल के पीछे पड़ जाओ। ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा क्यों है और किन परिस्थितियों में है, तो उसमें लिखा गया ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा बैलेंसिंग कोलेस्ट्रॉल उसमें पाया जाता है, मुफा फुफा के परसेंटेज सबसे ज्यादा उसके अंदर होते हैं, लेकिन उसका माइनस पॉइंट एक ही है कि उसे गर्म नहीं किया जा सकता, अगर गर्म करोगे तो सारे पौष्टिक तत्व खत्म हो जाएंगे, इसलिए ईस्टर्न कल्चर में जब भी कोई सलेड खाता है तो उसके ऊपर तेल छिड़क कर खाता है। पता चल गया माइनस पॉइंट, यस यस। ऑलिव ऑयल सबसे बेहतरीन है लेकिन गर्म नहीं किया जा सकता, गर्म करते ही पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं, तो अब उसमें लिखो गर्म करके खाने वाला सबसे बेहतरीन तेल कौन सा है, तो उसमें लिखा आएगा राइस ब्रांड ऑयल। क्या लिखा आएगा, मत विश्वास करो, नॉलेज ले रहे हो ना, फुल नॉलेज लो। उसमें लिखो ये किसने कहा कि ये नंबर वन है, तो उसमें लिखा आएगा तेरे बाप ने कहा। क्या लिखा आएगा, WHO रिकमेंडेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि राइस ब्रांड ऑयल दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल। रिजल्ट अब ऐसे नॉलेज ले लेके भाई साहब पांच प्रोडक्ट की पहुंच जाऊं मार्केट, चक्कर यही तो पड़ता है, प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करते हैं, सामने वाला तीन चार प्रश्न ऐसे पूछता है कि आपका सिर चक्कर खा जाता है और वापस घूमकर वापस आप आ जाते हैं, क्योंकि आपको उसके प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। फर्क क्या है, आप भी मेहनत करते हैं, लेकिन मैंने अगर किसी को भी प्लान बता दिया पिछले 10 सालों में, तो ऐसा एक भी आज भी मेरी जिंदगी में नहीं आया कि मैंने जिसको प्लान बताया उसने ज्वाइन नहीं किया। काम करना ना करना अलग बात है, हो सकता है हमारी ट्रेनिंग की कमी, हम नहीं काम करा पाए, लेकिन ज्वाइन किया क्योंकि मुझे ये पता है कि ये प्रश्न पूछेगा क्या और उसका आंसर है क्या। मेरे पास आंसर है तो ज्वाइन, आपके पास आंसर नहीं है तो ज्वाइन नहीं। सामने वाला क्या प्रश्न करता है, ज्यादा पढ़ा लिखा होता है कहता है यार ये समझाओ, ये परसेंटेज समझाओ, ये क्या होगा वो क्या होगा है? और मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास इतना बिजी हूं कैसे करूं, ऐसे ऐसे प्रश्न करेगा। मुझे पता, मैं जब किसी बड़े पढ़े लिखे को प्लान बताता हूं तो मेरी प्लान की शुरुआत ही ऐसी होती है, मैं अपनी हिस्ट्री बात करता हूं कि भैया मेरी सैलरी 13,000 बेसिक थी 1999 में, 1999 में कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9,998 होती थी, मेरी 13,000 थी। वहां से मैं शुरुआत करता हूं कि भाई मैं इस फील्ड में क्यों आया हूं, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी है, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपना साम्राज्य एक बार बना लेते हो तो दुनिया का सबसे सिक्योर बिजनेस आपका हो जाता है, और उसके बाद एक समय जब आपका नेटवर्क तैयार हो जाता है तो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में आपकी इनकम नहीं होती, आपके हाथ में ही नहीं होती। मेरा अकाउंट में फंड ट्रांसफर होता है ना, तो आपके भी फंड ट्रांसफर होता होगा तो SMS आता होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड सम अमाउंट है ना। मेरे SMS आता ना उससे पहले ही बैंक मैनेजर का फोन आ जाता है, और वो बेचारा इतना आश्चर्यचकित, वो जब दो दो तीन तीन साल में बदलते रहते मैनेजर, तो उनको ये समझ भी नहीं आता यार आदमी साला फालतू घूमता रहता है, जब भी मेरी केक में आता है 3 घंटे बकवास करके जाता है, और ये इतना कहां से आ जाता है इसको। तो मुझे बहुत चढ़ाने का काम करता था कि उसको लगे कि मैं उसको कुछ फायदा दूं, तो मेरी बहुत आव भगत करता, मैं जाता हूं तो भैया ऐसे जैसे ससुराल में इतनी इज्जत नहीं होती उतना जोरदार वहां पर, और वो चाय पानी पिलाता, वो कहता भाई साहब
हर महीने आ रहा है, कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा बताइए क्या करना है। वो कह सर एक बहुत सी राय देता हूं, हमारी बैंक ने इस कंपनी का म्यूचुअल फंड निकाला, वो इसलिए कर रहा है उसका टारगेट पूरा करना, कमीशन मिलता है, मुझे सब पता है लेकिन मैं चुपचाप। वो कह सर हमारी कंपनी ने जोरदार म्यूचुअल फंड निकाला है और इसमें अगर आप डाल दोगे ना, तो मैंने कहा हाँ तो वो कहा आपका पैसा और बढ़ जाएगा। चुप, बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को तरीका बता कम कैसे होगा। उसका दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा कोई पूछता है क्या कम कैसे होगा? ऐसा तो कोई पूछा नहीं अभी तक। मैंने कहा मैं पूछ रहा हूं, बता मेरी आरसीएम की इनकम को कम कैसे कर सकता है तू? तेरे पास कोई तरीका है तो बता, मैं फॉलो करूंगा उसको। ये सारे टेक्नोलॉजी पर बैठे हैं, बापना जी खड़े हो जाओ, कामले जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शुक्ला जी, सरदार जी खड़े हो जाओ। आप बेस्ट स्टूडेंट हैं, आपने बार बार यहां स्टेज पे बोला कि मेरे गुरु हैं, बोला कि नहीं बोला आपने? आपके सामने बोला कि नहीं बोला भाई साहब? आप सबूत हैं। ये मेरे को पर्सनली आके कहते हैं ना भाई साहब कि हम आपको इतना बड़ा गुरु मानते हैं कि आप कुएं में कूदने की भी कहोगे तो पूछेंगे नहीं। आज गुरु दक्षिणा का समय आ गया। आपको ऐसे कुछ बात यह है कि भाई साहब खूब पैसा आता है, हमने तो जीवन में सोचा ही नहीं था, जितने सपने देखे सब पूरे, गाड़ियों की भरमार, मकानों की भरमार, बच्चे बड़ी से बड़ी स्कूल में, मेरी गुड़िया ये बैठी है यहाँ पर, ये इसडी में पढ़ती है, इंटरनेशनल स्कूल डिजाइन एंड इनोवेशन इसडी, अमेरिका की स्कूल है, उसके अंदर पढ़ती है और सालाना फीस होगी 17-18 लाख रुपए। और भाई साहब प्रॉब्लम ये है कि साला आता ही जा रहा है, अब नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि भैया जो मेरे पास पैसा ना उसको मैं यार सिर्फ ऐसे रख दू ना तो यार बैंक वाले बहुत मस्ती से रखेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप काम करते हो तो इनकम आती और मुझे इनकम नहीं चाहिए, इसलिए गुरु दक्षिणा ये है कि आज से काम बंद कर दो। करो, करोगे? क्यों? ये बोलेंगे अरे मुकेश कोठारी सपने तेरे पूरे हुए, मेरे कहा हुए अभी? जब तक इस हिंदुस्तान में एक भी बच्चा रहेगा जिसका सपना अधूरा है, मुकेश कोठारी की इनकम रुक नहीं सकती। दुनिया के कौन से ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक पावर, बताओ? 3-4 लाख रुपए में एलएल बाबना जी ने छोड़ा तो वहां से इनकी सफर चालू हुआ। ओपी शर्मा ने 10 लाख पे अपना कमीशन छोड़ा तो आज उनका बच्चा जिसकी एज 23 साल की है, रवि ओपी शर्मा, इनकम 25 लाख रुपए पर मंथ। कौन सी सिक्योरिटी है, कौन सा बिजनेस है, लाके बताइए मेरे सामने, कीजिए, करते हैं अपन ऑपरेशन ना, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि दुनिया का जो भी काम करते हो उसमें काम करते ही सामने रिजल्ट आता है, इसलिए आप फॉलोअर हैं उस दुनिया के जिसमें काम करते ही रिजल्ट आता है, उसको ही तवज्जो दी जाती है। लेकिन दुनिया के जो भी टॉप अचीवर है कि अपने फील्ड के, वो किसी भी फील्ड में नंबर वन हो, उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुरंत रिजल्ट आए, इसलिए पूरी दुनिया उनको मानती है। एडिसन ने बल्ब बनाया, क्या एक ही बार में बन गया? राइट ब्रदर ने प्लेन बनाया, क्या एक ही बार में बन गया? कंप्यूटर बनाने वाले ने क्या एक ही बार में कंप्यूटर बना दिया? माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का मालिक क्या पहले दिन दौड़ने लग गया ना? वो लोग वो थे जिन्होंने फ्यूचर के लिए काम किया, फ्यूचरिस्टिक काम किया, आने वाले वक्त को पहले समझ लिया। और जो लोग आने वाले वक्त को पहले समझ जाते हैं वो इस दुनिया के सब कामयाब इंसान हो जाते हैं। और आने वाला वक्त क्या है? आने वाला वक्त ही डायरेक्ट सेलिंग का है और कोई है ही नहीं। आप इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की जब गाइडलाइन बन रही थी, बार बार हम फिक्की में जाते थे दिल्ली में, समझाते थे। आपको आश्चर्य होगा कि 4 बड़े IAS अफसर ने शपथ ली कि सर जुई रिटायर्ड होगा मैं सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग करूं, क्योंकि बेवकूफ थे वो लोग जो समझ नहीं पा रहे थे डायरेक्ट सेलिंग को, वो सोच रहे थे कोई उल्लू बनाने का कोई तरीका होगा। बेशक कुछ कंपनियां गलत होगी जिन्होंने गलत काम किए होंगे, उस वजह से उनके विचार बन गए होंगे,
लेकिन समझने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाते। सर्विस टैक्स कमिश्नर जो अभी जीएसटी में है वो शपथ लेके गया है अपनी बीवी के नाम से, ज्वाइनिंग कर ली मेरे पास, वो कह रिटायर होने वाला हूं 6 महीने बाद, करना आरसी। लेकिन समझने के बाद नहीं समझे तब तक भूत नजर आ रहा है, गलत नजर आ रहा है। पूरी बात समझ में आने के बाद आदमी दीवाना हो जाता है। यही तो फर्क है मार्केट के आदमी और आपके अंदर। आप आरसीएम करते हो, सामने वाला मना कर रहा तो भी आप आरसीएम में दीवाने, क्योंकि आपको समझ में आ गया, उसको समझना भी बाकी है। जिस दिन उसको समझ में आएगा वो भी दौड़ना चालू कर देगा। तो पहले पॉइंट पर आ रहे हैं, नॉलेज लीजिए। इतनी नॉलेज ले लो कि उन 5 प्रोडक्ट के बारे में कोई भी आदमी कुछ भी प्रश्न पूछ ले आपके पास उसका उत्तर होना चाहिए। फिर नहीं बिके, हो नहीं सकता, संभव ही। सामने वाला ये तो पूछेगा इससे ये एलर्जी तो नहीं हो जाएगी, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, एक ही तरह का तेल खाने से खराबी तो नहीं हो जाएगी, मेरे पिताजी तो कभी खाते नहीं थे, हमारे पिताजी तो हमेशा घी वाला खाते थे, घी खाते हैं, ऐसे प्रश्न करेंगे लोग। आपके पास अगर हर प्रश्न का उत्तर है तो वो कहीं पर भी टिकेगा नहीं। और चार बातें अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसी बता देते हैं जो उसको पता नहीं है, तो फिर वो आदमी आपके पास प्रश्न लाता ही नहीं। उसको पता है यार इसको उलझाने से मतलब नहीं, ये उलझेगा नहीं, सब नॉलेज है इसके पास। फिर आपकी बात वो मानता जाता है। डॉक्टर की बात हम क्यों मानते हैं पता है? डॉक्टर के नेम प्लेट पर डिग्री लगी है, MBBS, इसलिए हम बहसबाजी नहीं करते। अब हमारे यहां तो कोई डिग्री है नहीं, तो हमारी डिग्री का पता हमारे नॉलेज से चलता है। हम जब नॉलेज से कुछ बातें बताते हैं तो सामने वाले को ये बात पता चल जाती है और वो आदमी आप पे निश्चर हो जाता है, आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। डेढ़ के नॉलेज इसको प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, अनपढ़ हूं यार, कोई ऐसा कोई तो नहीं सोच रहा। नॉलेज के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। नंबर 2, सॉरी ये गलती हो रही है मेरे हाथ में ही, मैं ढूंढ रहा हूं। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दो तरीके से होगी। एक होगी वक्त की ट्रेनिंग, जो समय बिताने से ऑटोमेटिक ट्रेंड हो जाएंगे आप, और कुछ ट्रेनिंग होगी जो आपको एडवांस कोर्स में जाके करनी पड़ेगी, यानी अपनी अपलाइनों के सानिध्य में जाकर, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाकर, इस तरह की ट्रेनिंग में आकर आपको उन नॉलेज को हासिल करना पड़ेगा। और बिना परफेक्ट हुए आप कामयाब नहीं होंगे। तो शुरू के 3 से 5 साल आपकी ट्रेनिंग के हो सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगी। कभी कभी वो स्कॉलरशिप से आदमी परेशान हो जाता है, 8,000 ही आ रहा है, 10,000 ही आ रहा है, 12,000 ही आ रहा है। जब चालू होगा ना तो ये 12-15 होता ही नहीं, फिर लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बात होती है। लेकिन शुरुआत करने में मुश्किल आती है, 90% लोग बीच में थक जाते हैं, और कुछ लोग तो काम कर रहे हैं 15 साल से कामयाब नहीं, क्योंकि रुक रुक का काम। मेरा मोबाइल नंबर अगर जो है कोई भी समझ ले, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैंने ये सीक्वेंस बताई, इसी सीक्वेंस से फोन लगाओगे तो ही फोन लगेगा ना। yes. या शुरू के दो नंबर डायल करके पानी पी लो, फिर आके दूसरा नंबर डायल करो दो, फिर खाना खा लो, फिर 2 नंबर और डायल कर दो, ऐसे पूरे दिन में डायल करते जाओ, बात हो जाएगी। हमारी कंसिस्टेंसी ये नहीं है तो काम कैसे होगा? 1 महीना तो हम दम के काम कर रहे हैं, फिर 2 महीने एकदम रेस्ट, फिर थोड़ा काम कर रहे हैं, फिर रेस्ट, फिर एक अपमान आई, उसने पंप भरा, चार्ज हो गए, फिर काम, फिर 1 महीना कोई नहीं आया, फिर डिस्चार्ज। अरे आदमी है कि चार्जिंग की मशीन है? सर ये लीडर ना बहुत खतरनाक है सर, ये है ना आदमी को नेगेटिव कर देता है, वो कर देता, तू क्यों होता? तू इंसान नहीं है, तेरे अंदर कोई सोच नहीं है, वो नेगेटिव करता तू हो जाता? अपने दिमाग पर क्यों स्विच लगा के घूम रहा नेगेटिव पॉजिटिव? हम क्या हर गई पे जाके स्विच खुला छोड़ते हैं, ना कोई ताला लगा रखा कुछ, या स्विच लगा रखा यूं जाके सुनते हैं सामने वाला आदमी टक नेगेटिव, कभी भी कोई आके पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, खुद का तो कोई कंट्रोल है ही नहीं, सब सामने वाले ही करते हैं जो भी करते हैं। ट्रेनिंग लीजिए,
अलग अलग सब्जेक्ट की ट्रेनिंग होगी, अलग अलग वक्त पर आएगी। ट्रेनिंग से यह पता चलता है कि किस आदमी के साथ किस तरह से बात चालू करनी है। हम क्या करते हैं, लकीर के फकीर होते हैं। रिक्शे वाला सामने आए तो भी बेसिक वैसे डायलॉग, और अगर कोई कलेक्टर आ जाए तो डायलॉग होगा वही, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब रिक्शा वाला आपके सामने है, आप मूफा फूफा के परसेंटेज बता रहे थे, मूफा इतना परसेंटेज, फूफा इतना परसेंटेज, जो आप फूफा बोलते हैं वो सोचता भूआ भी आने वाली होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि किस आदमी के साथ किस तरह से बात करो। तो हंसने के विषय से ज्यादा समझने की बात यह है कि जब आप किसी कम पढ़े लिखे आदमी से बात करने का तरीका अलग होगा, ये आपको वक्त से समझ में आएगा, ट्रेनिंग से समझ में आएगा, और किसी ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी से बात करने का बिल्कुल अलग तरीका होगा। रिक्शे वाले से बात करेंगे तो आप कहेंगे सर सर ये ऑयल बहुत बेहतरीन है सर, एक तो ये पाचन शक्ति बहुत मजबूत कर देता है आदमी की, दूसरा इसका कोई टेस्ट नहीं होता, खुशबू नहीं होती, तो भिंडी की सब्जी बनाते तो भिंडी की खुशबू आती है, और ये तेल जलता बहुत कम है, धुआं को बहुत कम देता है, पूरी तल के देखो इसके अंदर, और फिर अखबार पर रखो, आपके तेल से भी तलो, रखो, देखो कि कितना अखबार पूरी सोखता है। उस तरह से समझाना पड़ेगा। yes. लेकिन किसी डॉक्टर के पास चले गए, पूरी बना लो सर, अखबार पर रख दो इसको। ये क्या बता रहा है, पूरी रख दो अखबार में, समझेगा। वहां पर आपको साइंटिफिक बात करनी पड़ेगी। जब पढ़ा लिखा आदमी सामने है तो जो तर्क से समझता है उसे तर्क से समझाओ, जो इमोशन से समझता है उसको इमोशन से समझाओ। नॉलेज के बाद ट्रेनिंग, एंड नंबर थर्ड इज यूज एविडेंस या टूल्स लिख दीजिए। अगर आप बहुत अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्केटिंग के गुरु बनना चाहते हैं, तो आज के बाद जवान से कम बोले, सबूत से ज्यादा बोले। हम बकबकी इतना कर लेते हैं कि सामने वाला आदमी कंफ्यूज हो जाता है, और हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बात पहले इसको बोली थी कि नहीं बोली थी। कई बार हमें एक ही बात को चार बार उसको रिपीट कर देते हैं। आज के बाद जब आप बात करेंगे ना तो हर बात पे वजन रख देंगे ताकि आपकी बातें हवा में नहीं उड़े। जैसे खूब सारे पेपर है, हवा चल रही है, आप पेपर को रखेंगे तो हवा में नहीं उड़ेगा। इसको आप बात समझ लीजिए, अगर बात पर वजन नहीं रखेंगे तो बात हवा में उड़ जाएगी। आपकी बात इधर से वो सुनेगा, इधर से निकाल देगा, क्योंकि आप एविडेंस के साथ बात नहीं रख रहे। क्या करेंगे सर, सर राइस ब्रांड ऑयल है सर, राष्ट्रपति का अवार्ड मिला हुआ सर, से फाइल निकल लीजिए, राष्ट्रपति का वोट, ये देखो। अब ये बात फिट दिमाग में, कंट्रोल एंटर कर दो सर, सर हमारा ये प्रोडक्ट है सर क्लिनिकल प्रूवन है सर। क्लिनिकल प्रूवन क्या होता बताऊं? क्लिनिकल प्रूवन का मतलब है हिंदुस्तान के राजस्थान भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में मान्यता प्राप्त डॉक्टरों की टीम के द्वारा 100 आदमी पर एक रिसर्च होता है, एक सर्वे होता है, प्रोडक्ट को देखने के बाद 100 दिन के एक ट्रायल के बाद एक क्लिनिकल रिपोर्ट मिलती है जिसमें डॉक्टर ये लिखकर देता है कि इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस प्रोडक्ट को कितना कितना परसेंटेज में क्या क्या देने से क्या क्या फायदा है, इसे क्लिनिकल रिपोर्ट बोलते हैं सर। बताऊं आपको, फट से फाइल निकलनी चाहिए, क्लिनिकल रिपोर्ट इंटर टक दिमाग में फिट। अब जो भी बात आप कर रहे हैं एक टूल सामने निकाल रहे हैं, एविडेंस निकाल रहे हैं, हर बात के साथ एविडेंस निकाल रहे हैं। सामने वाला आदमी चार बार एविडेंस निकालोगे, पांचवी बार में प्रश्न ही नहीं पूछेगा, जो भी कहोगे वो मानना चालू कर देगा। वो कहे यार इसके पास हर चीज का सबूत है, ये हवा में बात ही नहीं करता। हो सकता है ये बेसिक का पॉइंट नंबर एक। अभी पहले पॉइंट पे चल रहे हैं, 723 पॉइंट है, 723। हम 6 बेसिक पे भी आज निपटा पाएंगे नहीं पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, ये काम जब आप तैयार कर लें तो दूसरा काम होता है मेक लिस्ट।
हम क्या करते हैं, सुबह से हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, हम बस थैला लेके निकल जाते हैं, जो भी रास्ते में टकरा जाएगा पकड़ लेंगे। दुनिया के सारे जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, उनका शेड्यूल पहले लिखा जाता है, कल क्या करने वाले हैं उनको पहले ही पता होता है, आज वो 15 मिनट कहां बैठेंगे, किससे मीटिंग करेंगे, किससे बात करेंगे, कहां करेंगे, किस सब्जेक्ट पे करेंगे, हर चीज उनके पास पहले लिखी हुई होती। और हम थैला पार्टी लेकर निकल गए, जो मिल रहा उसको भी पकड़ लिया, अब सामने वाले के पास भी टाइम है कि नहीं हमें पता नहीं, हमने पकड़ लिया, वो सोच रहा है कब छोड़ के जाए तो मैं काम करूं, बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए उन लोगों की बिना प्री जज किए, क्योंकि ये लिस्ट उनकी नहीं है जिनको आपको आरसे में जोड़ना है, ये लिस्ट उनकी भी नहीं है केवल जिनको माल बेचना है, ये लिस्ट उनकी है जो लोग आपको जानते हैं और आप जिनको जानते हैं। प्री जज मत कीजिए, आपका दोस्त अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप उसका लिस्ट में नाम ही नहीं लिखते, क्यों, इतना पढ़ा लिखा आदमी वो थोड़ी अपने से समझेगा, वो तो हर बार मेरी बात को काट देता है, फट पहले काट देते हैं। अरे उसको बोलने देना भाई, तू क्यों काट रहा पहले, तू तो जानता, लिख बना दे लिस्ट, ये परफेक्ट लिस्ट बना दीजिए, जितने भी लोगों को जानते हैं उस लिस्ट के अंदर आप शामिल कर लीजिए। कर सकते हैं, बहुत कठिन काम तो नहीं बताया मैंने, लिस्ट बिना प्री जज किए हुए, जितने भी लोग जानते हो, और अब आप उस लिस्ट में जितने भी नाम लिखे उनके आगे मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ढूंढ ढूंढ के मोबाइल नंबर, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है उनके लिख दीजिए, और फिर एक दिन पहले प्लानिंग कीजिए कि कल मैं इन 4 आदमी से मिलूंगा, कल मैं इन 3 आदमी से मिलूंगा, दूर है तो कम में 2 आदमी से मिलूंगा, 2 आदमी से बात करके जाऊंगा, अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाऊंगा, एक एक्साइटेड बात करके जाऊंगा, उसको ये नहीं बोलूंगा मैं तेरा सिर खाने आ रहा हूं, आरसीएम ज्वाइन कराने आ रहा हूं, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। सर बहुत दिन हो गए आपसे मिले, चाय पीने की इच्छा है सर, मेरे लिए आधा घंटे का टाइम है आपके पास, कौन बोलेगा, हिंदुस्तान में सब स्वाभिमानी आदमी है, सब ढंग से बोलते हैं, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल आप आइए ना, कोई सब काम कुछ नहीं है सर, आपसे मिलना है। पहुंचिए, 15 मिनट आधा घंटा जब आप बात करने हैं तो 5 मिनट प्यार मोहब्बत की बात कीजिए, और फिर बात चालू कीजिए, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, हो गया मेरा अच्छा चल रहा है, तो जब आप किसी को पूछते हो ना कैसा चल रहा है तो सामने वाला आपसे भी पूछता है, ये नियम है, रिगार्ड है। मेरे को जब भी गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही होती है, और जब मैं पुरस्कारी मतलब किसी को खाना खिला रहे हैं, आपको क्या बोलते हैं, सर्व कर रहे हैं किसी को खाना, तो सर्व जब आप करते हैं तो ना मुझे अब वो देर से मेरे का काम लगा रखा है यार, सर्व कर, अब मुझे खुद को ही भूख लग रही, तो मैं क्या करता हूँ, एक गुलाब जामुन लेता हूँ, एक आदमी के मुंह में जबड़े से डाल देता हूँ, वो कहता नहीं आपको भी खाना पड़ेगा, ये तरीका होना चाहिए। आप अगर एक प्रश्न पूछते हो तो उसका जवाब भी एक प्रश्न होता है, वहां से आपकी बात चालू हो सकती है। सर अब पहली बार जीवन में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा सर, अब जाके मेरे लाइफ की तमन्ना पूरी हुई कि मेरे जो चॉइस का बिजनेस मुझे मिला, मैंने एक प्रोडक्ट पर काम करना चालू किया, चालू हो जाएगी प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन सबूत के साथ, नॉलेज के साथ, सामने वाला आदमी जानता भी है आपको, और फिर जब आप नॉलेज के साथ बात करते हैं तो वो आदमी अगर आपकी इमेज सही है तो आपके प्रोडक्ट को लेगा ही लेगा। मैं यहां पर न तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की बात कर रहा हूं, नहीं कल सेल की बात कर रहा हूं, मैं लिस्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ लिस्ट बनानी है, बिना दिमाग लगाए लिस्ट तैयार करनी है, करेंगे yes. आप कहो तो मैं ट्रेनिंग को छोड़ के सेमिनार के उसमें भी आ सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कम लोग हैं तो बहुत मजेदार बातें कर रहे हैं, क्योंकि सेमिनार में नहीं कर पाएंगे इस तरह की बातें, अपन नहीं हो पाएगी, ये बहुत बारीक जानकारियां जो आपको मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 3 पे आइए, जो मैंने बता दिया आपको, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, कॉन्टैक्ट करना उनको प्री शेड्यूल लेके, और इनवाइट करना या तो मीटिंग, अगर आपके घर पे कोई आ रही है, कोई सीनियर आ रहा है घर पे मीटिंग हो रही है तो वहां इनवाइट कर दीजिए, या आप चले जाइए,
आपको करना है काम। जब आप अपनी ये बात कॉन्टेक्ट इन्विटेशन के बाद अगर सामने वाले को दे देते हैं, सामने वाले आदमी दो तरीके मिलेंगे आपको। पहला, जिसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, फोकस ही नहीं है बिजनेस के ऊपर, प्रोडक्ट पर फोकस है। और दूसरा, जिसका प्रोडक्ट पर बिल्कुल फोकस नहीं है, वो बार बार ये देख रहा है कि ये कितना कमा रहा है। दो तरह के आदमी आपको मिलेंगे। जब किसी को प्रोडक्ट शो करेंगे तो कुछ लोग टोकोर सुनते रहेंगे, फिर कहेंगे अच्छा मुझे भाई साहब ये बताओ कि अगर मैं 5 दिन ससुराल चला गया, न्यूट्री चार्ज मेन रोज एक लेनी है और मैं ले जाना भूल गया, तो क्या 5 दिन बाद आके मैं 5 एक साथ खा सकता हूं? प्रश्न किया सामने वाले ने। तो आपको आरसीएम बताने की जरूरत नहीं है, आप प्रोडक्ट का जवाब दीजिए, काम खत्म। सामने वाला जब तक प्रोडक्ट का प्रश्न करता रहे, आप प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होते रहिए। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रोडक्ट की बात करते 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 अचानक आपकी इनकम पर आ जाएंगे। सर रोज का कितना बेच लेते हो? ये टिपिकल आदमी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर बनने लायक आदमी है, ये बेचने की बात कर रहा है। और बेचना आरसीएम का मुख्य कार्य है। इसको ले जाओ साइड में, इसको बताओ प्लान, वो बोले वाला, ये आपके काम का आदमी है। तो यहां पर सिलेक्शन हो रहा है, किसको गोले बनाकर समझाना है, किसी को प्रोडक्ट देकर समझाना है। और जब ये कलाकारी आपको आ जाए तो आपका काम बड़ी आसानी से स्मूथली आगे चलता है। ले जाइए साइड में, इस साइड में जाकर प्लान बताइए। प्लान का सीधा सा काम है, सबसे पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, सेल करो, नॉलेज लो, ट्रेनिंग लो, यूज करो, रोज निकल जाओ, वही लिस्ट बनाओ, मेकिंग करो, वापस वो कोई बताना। नंबर 4, शो द प्लान। नंबर 5, फॉलो। नंबर 6, स्टार्टअप। ये बेसिक है। अगर आरसीएम में आपको रहना है तो ये काम आपको शुरुआत से करने पड़ेंगे। कॉन्टेक्ट इन्विटेशन के बाद आपने प्लान शो किया। प्लान यहां पर प्लान का मतलब सिर्फ आरसीएम के परसेंटेज वाले प्लान से नहीं है। प्लान का मतलब जो प्रोडक्ट की बात करता है उसे प्रोडक्ट की बात करके जाओ, और जो बिजनेस की बात करता है, सामने वाला आदमी इनकम पे आ जाए, ओके तो भाई साहब आप कितने कमा लेते हो, इसको साइड में ले जाके प्लान जरूर बताना, क्योंकि ये कमाने की बात कर। 3 तरह के आदमी को आरसीएम ज्वाइन कराना है। पहला, जो पैसा कमाना चाहता हो। नंबर 2, जिसके पास समय हो मीटिंग में आने का, सीखने और सिखाने का। और नंबर 3 इज क्या, बोलो, मैंने तो कई बार बताया आपको, जो पैसा कमाना चाहते हो। नंबर 2, जिसके पास समय हो। 3, जो सीखना और सिखाना चाहता। ये 3 क्वालिफिकेशन किसी के अंदर है, उसको तो आपको आरसीएम का परसेंटेज वाला प्लान बताना और बाकी सबको प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बताना। अब आप बताना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको उसको प्लान बताएंगे कि प्रोडक्ट देंगे, आप बताना। 95 साल का आदमी छत पर बैठा है, कई तरह के घुटने उसके कई बार खराब हो चुके हैं, कई बार वो इलाज करा चुका है, दुनिया के सारे डॉक्टर को उसने बता दिया, तभी आप वहां पर पहुंच जाते हैं। आप पूरा बीजे के बारे में बताते हैं, अंकल ये न्यूट्रीजाज बीजे है और आपको पता है ये साइंटिफिकली घुटने क्यों खराब होते हैं? घुटने इसलिए खराब होते हैं कि आपके जो ज्वाइंट होते हैं उसके बीच में कार्टिलेज होती है, और लगातार चलने से कार्टिलेज घिस जाती है। तब कार्टिलेज जब घिस जाती है, ये लुब्रिकेंट का काम करती है, और जुई घिसती है तो हड्डियां आपस में टकराती है, आवाज आती है और दर्द होता है। हाँ ये तो पता है, आप नॉलेजफुल बात कर रहे हो, डोकरा 95 का सुन रहा है। तो इसने कहा सर ये जो कार्टिलेज घिस जाती है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन और आगे नहीं खराब हो उसका इलाज है ये न्यूट्रीचार्ज बीजे, इसके अंदर एक पाउडर है, ये वो, फिर साइंटिफिक, फिर क्लिनिकल अप्रोच सब बता दो उसको। अब वो आदमी
अंदर जाए और वो 2000 रुपए लेने जाए कि ठीक है भाई इतने इलाज कराए तेरे 2000 रुपए और लेके आता हूं। आप अंदर वो जा रहा है 2000 लेने के लिए, तो अभी आप पीछे से आवाज लगा रहे हैं अंकल अंदर जा रहे हैं तो फोटो भी लेते आना आईडी प्रूफ भी। 95 साल का आदमी इस बिजनेस में तीन तरह के आदमी ज्वाइन होते हैं, पहला पैसा कमाना चाहता, 95 साल का आदमी जीना चाहता अगले 1-2 साल पैसा नहीं कमाना चाहता, नंबर 2 समय तो बहुत है लेकिन वो जा नहीं सकता ट्रेनिंग लेने जाने के लिए आने जाने के लिए, न तो मीटिंग में आएगा न प्रोडक्ट सेल कर सकता। आगे ही बात समझे, किसको प्लान बताना किसको नहीं समझाना आगे ना बात। यस, ये थोड़ी सी इंटेलिजेंस आपके पास आ जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। और फिर प्लान शो करने के बाद उनको फॉलो करना। कई लोग आपको यस शुरू में कह देंगे ओके प्रोडक्ट दे जाओ, और कुछ लोग कहेंगे भैया मेरी सैलरी आएगी तब ले लूंगा, या मैं आपको कल इसके बारे में बताता हूं। तो आप उसे फेल मत मानिए, क्रॉस मत कीजिए। अगर उसने कल का टाइम दिया, कल आप मिलिए, कल उसको फोन कीजिए। कब तक फोन करना है? जब तक कि सामने वाला स्पष्ट मना ना कर दे। फोन का नहीं है, मैं सामने वाले का बताता हूं, फिर वापस डेट ले लो सर कब आना है बताइए। सामने वाला भाई साहब आने की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी हो जाए लूंगा नहीं, तो फिर फॉलो बंद कर दो। क्योंकि कुछ लोग राजस्थान में मनवार होती है ना, तो इसे थोड़ा सा मनवार करने के बाद आते हैं, 2-3 बार आते हैं, थोड़ा शर्म से एक बार आदमी ले लेता है। तो फॉलो करने से कई बड़े बड़े लीडर कायम हुए हैं, इसलिए आप फॉलो करने को कभी भी कंजूसी मत दिखाइए। ये 6 काम आप रेगुलर करेंगे वैसे इन 106 बेसिक के बाद 6 कोर स्टेप आते हैं, और उसके बाद 8 कोऑर्डिनेट रूल। कोऑर्डिनेट रूल जिसमें उस ट्रेनिंग में जिसमें आपको मजा आएगा, और जो मैं बेसिक के बाद कोर बता रहा हूं वो आवश्यकता है। कोर टीम सुना ना, कोर टीम, आम आदमी की कोर टीम, कांग्रेस पार्टी की कोर टीम, कोर मतलब मुख्य। तो मैं कोऑर्डिनेट रूल्स पे चले जाऊं या कोर पे बात कर लें थोड़ा सा, कोर कोर कर ले बात, क्योंकि अगर बेसिक पता है तो कोर हमें पता होना चाहिए, कोर अगर पता नहीं तो फिर गड़बड़ करेंगे। ये सारे काम आपने कर लिए, आ जाइए कोर पर। ये परमानेंट मार्कर दे दिया किसी ने, चलो अब ये बोर्ड का क्या होगा पता नहीं, इसको मिटाओगे कैसे? अब परमानेंट मार्कर दे दिया जिसने भी दिया, उल्टा करने वाला तो प्रेजेंट का इलाज है, फ्यूचर का तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, मैं इस तरह से काम चला लूंगा, आइए बात करते हैं कोर पर। नंबर 1, सेट योर गोल। खुद का गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। लाइफ के गोल नहीं है उसका लाइफ का जीना ही बेकार। सम्मुखानंद में एक सेमिनार चल रही थी, 2008 की बात है, मैंने एक आदमी को खड़ा किया, मैंने कहा खड़ा करके उसे पूछा आप जिंदा क्यों हैं? क्या पूछा? इतना इजी प्रश्न है, आपको पूछना तो जवाब नहीं है आपके पास इसका है, प्रश्न एकदम इजी। मैंने उसे पूछा आप जिंदा क्यों हैं? जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लग गया। मैंने कहा इसमें हंसने की क्या बात है, बताना जिंदा क्यों है? तो जब दूसरी बार मैंने कड़क तरीके से पूछा तो वो मेरे पर गुस्सा करने लगे। मैंने कहा गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, पूछ रहा हूं तेरे से, बताना पड़ेगा जिंदा क्यों है। वो कहता मर जाऊं। नब्बे % आदमी को ये लगता है कि वो जिंदा इसलिए है क्योंकि मरा नहीं, मर जाता तो जिंदा नहीं होता, उसको ऐसा लगता।
क्या लाइफ का गोल है पता नहीं, जीवन की उलझन में हम गोल ही भूल गए। 16-17 साल की एज में क्या गोल थे आपका, मैं याद दिलाऊं? 16 साल की एज में आपका गोल था इस शहर की सबसे बड़ी लंबी गाड़ी मेरी होगी, जब मैं उतरूंगा तो 5 आदमी मेरे गेट को खोलने के लिए तैयार होंगे, इस शहर का सबसे बड़ा बंगलो मेरे पास होगा, मेरे को किसी को चेक काटना होगा ना तो बैलेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके गोल होते थे, और अब ये गोल है क्या? अब तो ये गोल है 7 तारीख को किस्त चुक जाएगी कि नहीं चुक जाएगी। सारे गोल चेंज हो गए, लाइफ भी चेंज हो गई, उल्टे पुल्टी हो गई सब। गोल होना जरूरी है, गोल नहीं बनोगे बड़ा परेशान हो जाओ। एक कुत्ता था तेते दौड़ रहा, दूसरे कुत्ते ने देख लिया, उसने सिर्फ इतना सा सोचा ये हमारी बिरादरी का सबसे इंटेलिजेंट कुत्ता, और अगर ये दौड़ रहा है तो जरूर कोई ना कोई खास बात है, हम दिमाग क्यों लगाएं, हम भी दौड़ते हैं, तो दूसरा भी दौड़ना चाहता है। दो इंटेलिजेंट कुत्तों को देखकर तीसरा भी दौड़ना चालू, चौथा भी दौड़ना चालू, देखते ही देखते 500 कुत्ते दौड़ रहे हैं। कितने किसके तो पीछे दौड़ रहे हैं, एक ट्रक आगे जा रही है उसके पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं 500। सबसे लास्ट में जो एकदम बड़ा यंग कुत्ता था उसने कहा दौड़ना तो चालू कर देते हैं, पता नहीं कोई राज की बात होगी लेकिन आगे पूछ लेंगे। उसने कहा भाई साहब दौड़ना तो चालू कर दिया, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, दौड़ते दौड़ते बताओ दौड़ क्यों रहे। उसने कहा मुझे पता नहीं, वो आगे वाला दौड़ रहा था, मैं भी दौड़ रहा था। एक एक करते आगे आगे वाले से जाके पूछा अरे भाई दौड़ क्यों रहा बताना, वो क्या बेवकूफ ये खंबे जा गाड़ेंगे वहां टांग ऊंची करते क्या करे। एक आदमी का गोल सारे उसके पीछे लगे, अपना खुद का गोल होना चाहिए कि होना चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। मेरे हर दिन का गोल होता है, जेब खोलो तो निकलनी चाहिए डायरी, आज मुझे 5 काम करने। पहला, बीवी ने कहा है कि बिजली का बिल जमा करना, सबसे पहले ऊपर लिखो। मेरे भाई घर के काम सबसे पहले करोगे सुरक्षित रहोगे, बड़ा काम करोगे आप। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सारी दुनिया का काम कर लेते घर का भूल जाते, और सबसे आसान काम जब भूल जाते हैं तो घर पे इतनी धुलाई होती है, इतनी धुलाई होती है कि अगले दिन आप काम करने लायक नहीं रहते, मतलब कोई मारना नहीं शब्दों के बाद। अरे क्या है घर वाले अगर छोटे छोटे काम करने से कुछ लिख दो 4 काम और फिर उसके नीचे लिखो इन इनसे मिलना है, फटाफट करके काम किए घर वाले खुश और काम कर लो, ये आपके शॉर्ट टर्म गोल है। डेली से डेली अगर आप गोल बनाकर काम करेंगे आपकी आज ही समस्याएं खत्म होगी, नहीं तो अर्जेंसी आएगी अचानक कामों में, क्योंकि आपने टारगेट लिखा नहीं, अचानक याद आएगा किस्त जमा होने के एक दिन पहले कल पैसे जमा करने हैं और भागा दौड़ी कर रहे हैं इधर से उधर पैसा अरेंज कर रहे हैं। पहले ही पता होता तो आप तब तक तैयारी कर चुके होते कि कल किस्त जमा करने की बात इसलिए बोल रहा हूं कि माया नगरी है बॉम्बे में लोन तो सबका चलते ही छोटा मोटा। शॉर्ट टर्म को बनाएंगे आज के बाद, आदत डालो डायरी जेब में रखो। मैं मोबाइल पर रखता हूं, आप अगर मोबाइल पर नहीं लिखते हैं नोटपैड पे तो आप लिखे जरूर, लेकिन रोज जब सुबह घर से बाहर निकलते तो उठे फ्रेश होइए घूमिए और सीधा बैठ जाइए स्टडी टेबल पर, आज क्या क्या काम है लिख डालो। लिख लेंगे ओके गोल शुड बी स्मार्ट। ये गोल बनाएंगे ये स्मार्ट होने चाहिए। अगर एक आदमी से मैं कहूं आरसी में तेरा क्या गोल है, वो कहता है सर मैं आरसी में स्टार रूबी बनना चाहता हूं, जीवन में एक बार। अब यहां पर उसने गलती क्या की कि उसने गोल स्मार्ट नहीं बनाया। स्मार्ट मतलब एज फॉर स्पेसिफिक, जिसकी विषय वस्तु एकदम फाइनल होनी चाहिए, गोल को बोलते वक्त कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं कामयाब होना चाहता हूं, यह स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि कामयाबी की परिभाषा सबकी अलग अलग है।
कोई आदमी जो मजदूर है वो 100 रुपए में भी कामयाब हो जाता है, कोई 100 करोड़ कमा के भी कामयाब नहीं होता। तो कामयाबी की परिभाषा अलग अलग है, आपका स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, जिसको नापा जा सके। मैं स्टार रूबी बनना चाहता हूं। स्टार रूबी का मतलब है 2-4 लाख का मिनिमम बिजनेस, 2 लाख इधर 2 लाख इधर, तो ये मेजरेबल है। सॉरी, 2 करोड़ इधर 2 करोड़ तो मेजरेबल है। अगर मेजरेबल नहीं है तो गोल सही नहीं है। ए फॉर अचीवेबल, ऐसा नहीं है कि आप अभी ज्वाइन किए और आप कहते सर मैं 3 महीने में रूबी बनना चाहता हूं। नॉट पॉसिबल। समय के हिसाब से वो अचीवेबल है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। आर फॉर रियलिस्टिक, ऐसा गोल नहीं बना सकते कि सर मैं आसमान से तारे तोड़ के लाना चाहता हूं। रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड लास्ट है टी फॉर टाइम बाउंड, अगर इस गोल पर टाइम की टैग नहीं लगाओगे तो इस गोल का कोई मतलब नहीं है। मैं जीवन में कामयाब होना चाहता हूं, ये गोल नहीं है, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2018 दिसंबर 25 को मैं अपनी इनकम से मारुति स्विफ्ट डिजायर कार VDI लेकर आऊंगा। अब यहां पर आपने सारी चीजें फाइल कर दी कि आप एक ऐसे टारगेट जा रहे हैं जो स्पेसिफिक है, जिसमें आपने क्लियर कट लिखा हुआ है कि कहां तक आपको जाना है। मेजरेबल यानी कार की कीमत को नापा जा सकता है, इसकी कीमत को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। अचीवेबल, अगर आप इस पिन के नजदीक आ गए तो ये अचीवेबल भी है, रियलिस्टिक भी है, और आपने 2018 दिसंबर 25 लिख के इसको टाइम बाउंड भी कर दिया। और जब इस तरह का टारगेट आप बनाएंगे तो उसे ही स्मार्ट टारगेट कहते हैं। अब आप जिस भी पिन पे हैं, पहले फ्रंट पेज पे जाना और सबसे पहले टारगेट लिखना। अगर आप रॉयल्टी पे नहीं है तो रॉयल्टी का टारगेट, अगर आप स्टार डायमंड पे नहीं है तो भाई मैंने स्टार डायमंड क्लब करना है, अप्रैल तक चालू कर देना है उसको, इसलिए मैं अभी से 5,000 का माल बेचूंगा और इसे ऐसे करते करते मैं 25,000 पर मंथ का बीवी बनाऊंगा, ये टारगेट हो सकता है। मैं रॉयल्टी पर इतनी तारीख को जाऊंगा और इस जाने के लिए मेरी प्लानिंग ऐसे ऐसे रहेगी। टारगेट शुड बी स्मार्ट। बना देंगे गोल? ये बनाना है, ये बातें सुन के जाएंगे कुछ भी नहीं होगा। ये गोल आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा। जब जब भी सुबह आप उठेंगे ना तो गोल आपको याद दिलाएगा, भैया सांस नहीं लेनी, चाय धीरे धीरे पीने से कुछ नहीं होने वाला है, 2 बजे 9 बजे निकलना है, मतलब निकलना है घर से बाहर। क्यों? क्योंकि टारगेट है मेरा। ये टारगेट आपको सोने नहीं देगा, और जब आपको सोने नहीं देगा तो ये टारगेट आपका 100% पूरा भी होगा। शो प्लान एंड प्रोडक्ट अगर आप फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो वीक में 5 प्लान आपको बताने हैं और रोज 5 आदमी से प्रोडक्ट की बात करके आना। क्या करना? 5 प्लान तो वीक में बताने जिनको आरसीएम ज्वाइन कराना है, और 5 आदमी को जब तक प्रोडक्ट नहीं बता दें तब तक घर पे नहीं आना। यहां पर मैंने सेल की फाउंडेशन नहीं दी है आपको कि जब तक मैं 5 प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा घर पे नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं कहा है। क्योंकि जब तक आप ट्रेंड होंगे तब सेल होना चालू होगी। शुरू शुरू में खूब धक्के लगेंगे आपको, आप उसकी चिंता मत करो। शुरू शुरू में उल्टे उल्टे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, आप उसकी चिंता मत करो। जिस दिन आपका नॉलेज पूरा बढ़ जाएगा, जिस दिन ट्रेनिंग हो जाएगी, जिस दिन टूल्स पूरा इस्तेमाल करने लग जाएंगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक शेयर होने लग जाएगा। लेकिन आप 5 आदमी को जब तक प्रोडक्ट नहीं बता देंगे तब तक घर पर नहीं आएंगे। 5 कौन से प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलते हैं? यस, कौन से 5 प्रोडक्ट? आरसीएम के नहीं, 5 वो प्रोडक्ट जिसको देखते ही आपका दिल करता है इलू इलू।
मैंने पहले बताया था पांच ऐसे प्रोडक्टों का चयन करो जिसको यूज करते ही मजा आ जाए, जहां से आवाज निकले वाह क्या प्रोडक्ट है। उन पांच प्रोडक्ट को लेकर आपको निकलना है, और जब तक पांच आदमी से प्रोडक्ट की बात नहीं करें घर पर आने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा, सामने वाला ले या ना ले आपको पांच प्रोडक्ट बताना है तो तारीफ करनी पड़ेगी। तारीफ करने का पहला नियम होता है कि तारीफ करने के लिए आपको अच्छा सोचना पड़ता है। अच्छा सोचते हैं तो आपका पूरा शरीर पॉजिटिव होता है। आप 100 बार बोलना सुबह उठते ही, आज दिन कितना सुंदर है, आज लोग कितने सुंदर हैं, आज घर कितना अच्छा लग रहा है, आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। और 100 बार सुबह सुबह बोल देना मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, आप पागल जैसे लगने लग जाएंगे ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं। कोर स्टेप नंबर 3, मेक 5000 बीवी मिनिमम ए मंथ। अगर आरसीएम करना है फुल टाइम या पार्ट टाइम, शुरुआत 5000 बीवी से होनी चाहिए। जाएंगे तो हम स्टार डायमंड पर, स्टार डायमंड क्लब पर, जहां पर 25000 बीवी करना है, लेकिन 5000 करना ही करना है। और अगर 5000 भी नहीं कर पा रहे हैं और बड़े सपने अगर आरसीएम में आप देख रहे हैं तो आपको नहीं देखने चाहिए, क्योंकि अगर 5000 बीवी का प्रोडक्ट आप लेते हैं तो 2 से 2500 बीवी के प्रोडक्ट तो बड़ी आसानी से अगर आपके 4 आदमी की फैमिली है तो निकल जाते हैं एवरेज। और अगर ये प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे तो अगर आप घर पे रखेंगे तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होना भी चालू हो जाएंगे, क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है जो फरे वो चरे, मतलब जो घूमता है उसको खाने को मिल जाता है। गाय अगर एक ही जगह बैठी रहे तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वो घूमती है तो उसको खाने को मिल जाता है। अगर 2500 के प्रोडक्ट आप ले लेंगे जो बहुत बड़ी रिस्क नहीं है, और अगर आप लेकर बात करते हैं, घर पर रखते हैं, घर पर सजा के रखते हैं, तो ऑटोमेटिक लोग बाग उससे पूछते हैं और आपका काम होता है। एक पिकअप सेंटर वाला जो होता है ना, उसकी 5 से 10000 मिनिमम सेल होती है पर्सनल। ये साइंटिफिक नियम है। इसलिए नहीं कि वो प्रोडक्ट की बात करता, वो इसलिए कि वो प्रोडक्ट के पास बैठा रहता है, लोग वहां चलते चलते कहते हैं ये क्या है, चाय की पत्ती है, अच्छा मिलती है क्या, वाह चल एक तो दे दे, चल टेस्ट करने के लिए जाते हैं। ऐसे करते करते उसकी 5 से 10000 बीवी हर महीने पिकअप सेंटर खोलने से हो जाता, क्योंकि उसने शो किया। आप अपने घर पर प्रोडक्ट शो करोगे, प्रोडक्ट सजा कर रखोगे, जो भी आदमी आएगा प्रोडक्ट की बात करेगा ऑटोमेटिक। मैंने अपने ऑफिस भीलवाड़ा के अंदर एक नया ऑफिस डिजाइन किया, उसमें पिकअप सेंटर तो है ही है, लेकिन मेरे चेंबर में मैंने प्रोडक्ट सजा के रखे। और आपको आश्चर्य होगा कि अब पहले जितने भी मेरे मिलने वाले आते थे, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति होते हैं, पहले हम फालतू की बातें करके टाइम खत्म कर लेते थे, कहां क्या चल रहा है, कौन सी रेट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, लेकिन अब बात करते करते वो यूं बार बार ऊपर देखता है, ये क्या सजा रखा कोठारी जी, मैंने कहा ये प्रोडक्ट है। अब वो उसने पूछा तो सुनेगा भी वही तो पूछेगा कब, जब आप सजाओगे, आप रखोगे तभी तो पूछेगा, आप रख दीजिए, सामने वाला ऑटोमेटिक पूछेगा, पूछेगा तो उसको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा तो वो लेगा ही। 5000 बीवी पर मंथ बन जाएगा मिनिमम। यस में ताकत नहीं है। यस लिसन ए ऑडियो डेली। एक पॉजिटिव ऑडियो या एक लीडर का ऑडियो आपको डेली सुनना है। कुछ लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता सर, यह आपकी गलत फहमी है। टाइम कितने लोगों के पास नहीं होता, लेकिन टाइम की वैल्यू उनको समझो जो
बच्चे 21-22 साल के होते हैं, एक लड़के को एक लड़की से जब प्यार हो जाता है और लड़का अगर नौकरी करता है और प्यार हो गया, मिलने का टाइम डिसाइड होता है, दुनिया की कोई ताकत उस लड़के को रोक नहीं सकती, पता आपको, उसका बॉस भी नहीं रोक सकता। इतने तरह के बहाने उसके दिमाग में आते, पता नहीं क्या क्या खुरापातें आ जाती थी। टाइम निकलता है, टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। सेविंग करते हैं, करो सेविंग, चला दो ना ऑडियो, कान में सुन रहे हो ना आप, सेविंग में थोड़ी जा रहा हो, सेविंग करो, चला दो। लेडीज अगर खाना बना रही है, चला दो ऑडियो, खाना बनाते रहो, ऑडियो चलता रहे, सुनना मतलब सुनना। साइंटिफिक प्रक्रिया क्या है, जब हम पॉजिटिव बात सुनते हैं तो पॉजिटिव विचारधारा हमारे मन में आती है। ऑडियो में पता नहीं क्या बोल रहा है, उस समय आपके मन में एक आइडिया आता है, यार ये बोल रहा है ऐसा, मैं करके देखता हूं, बहुत पॉजिटिव होते हैं उस ऑडियो से। और एक पॉजिटिव ऑडियो लीडर का या कोई भी पॉजिटिव ऑडियो आप देखिए और काम कीजिए। नेक्स्ट नंबर 6 हो गया ना, सेट योर गोल, सो मिनिमम 5 लाख, परचेज रिटेल मिनिमम 5000 बीवी, लिसन ए सीडी, ओके। नंबर 5, रीड 1 रिकमेंडेड बुक एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। अपनी अपलाइन से एक बुक का नाम लीजिए और रोज 30 मिनट सोने से पहले उसको पढ़ना। अगला दिन अगर बेहतरीन करना चाहते हो तो एक पॉजिटिव बुक पढ़ो, 30 मिनट के लिए सो जाओ, 15 मिनट पढ़ो सुबह, 15 मिनट शाम को पढ़ो, जैसा टाइम एडजस्ट होता है वैसा करना है, मतलब करना। अब कोई आदमी ऐसा भी बोलेगा पढ़ना ही नहीं आता, कोई बात नहीं, पोते को बुलाओ, कैटेगरी सेल, पढ़ के सुना, काम करवाना आना चाहिए। बुक ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, बहुत सारी, देखिए आप जो सोचोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आप भी अपने अपलाइन से ग्रुप में कितने वीडियो आते हैं, आप ग्रुप में ज्वाइन करो, आप किसी ग्रुप को देखिए कितने चीजें सुनने को मिलती है, यूट्यूब में आप जाके देख सकते हैं। अब वो पुराना वाला जमाना चला गया कि जब आपको एक एक चीज खरीदनी पड़ती थी। नंबर 6, यूईएस। यूईएस क्या है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। ये क्या है, आपके हिंदुस्तान में जितनी भी अप्लाइंस हैं उनकी एक कोर टीम है जिसमें 27 आदमी हैं, जिसमें कोई भी पढ़ सकता है आने वाले समय में, 28, 29, 30 उसमें आप भी आ सकते हैं। जितना भी एजुकेशन सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में चलता है, ये कोर टीम के द्वारा चलता है, जो हिंदुस्तान के सबसे अनुभवी लोग होते हैं। यूएस के फंक्शन हिंदुस्तान के कोर सिटी में होते हैं, लगभग 48 पर मंथ, कितने होते हैं, जिसमें मुंबई भी होता है। इस एक यूएस फंक्शन को महीने में एक बार अटेंड करना है, कसम खानी। इससे क्या क्या होगा, पहला आप हमेशा अपडेट रहेंगे, आरसीएम में हर महीने क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। यूएस के फंक्शन में आप जाओगे तो आरसीएम के कंपनी से संबंधित आपको सारी डिटेल का पता चल जाएगा, जानकारी का पता चल जाएगा। दूसरा, आप नए नए सिस्टम नए नए इजाद से आप काम करेंगे, हर बार एक नया लीडर आपकी सिटी में आता है, हो सकता है वो आपकी अपलाइन नहीं हो, क्योंकि हर आदमी की एक अलग अलग विशेषता होती है। दुनिया का कोई भी कप्तान सिर्फ अपने दम पर टीम को नहीं जिता सकता, कोई भी टीम जीतती है टीम वर्क से, और हर आदमी का एक अलग अलग काम होता है, एक अलग अलग स्पेशलिटी हर आदमी की होती है। एक बहुत अच्छा बॉलर होता है तो एक बहुत अच्छा कीपर होता है, एक बहुत अच्छा फील्डर होता है, कोई बहुत अच्छा बैट्समैन होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको टीम में इसलिए रखा जाता है कि बहुत अच्छा प्लानर होता है। तो जब आप लोगों को सुनेंगे ना तो आपको क्या लगेगा, एक आदमी बोलने में बहुत अच्छा है और एक आदमी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा है, और एक आदमी 1-to-1 में बात करने में बहुत अच्छा है। हर आदमी की एक अलग अलग विशेषता। मेरी टीम में एक आदमी है मांगी लाल, उसका नाम है, उदयपुर से 8 साल से काम करता मेरी टीम में,
मैं यार दुनिया का सबसे निष्क्रिय आदमी मानता हूँ उसे। मैंने यार पता नहीं कैसे 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 मैंने लीडर की उसको सेमिनार अटेंड कराई, वो चार्ज ही नहीं होता, आता जरूर है चार्ज नहीं। लास्ट में मैंने उसको सेमिनार अटेंड कराई राजा राम जी सारे, राजा राम जी मेरी टीम में हैं। और मजे की बात है राजा राम जी सबसे स्लो बोलने वाले आदमी हमारे आरसे में, वो बोलेंगे तो बिल्कुल ऐसे एक्शन नहीं करेंगे, ऐसे खड़े रहकर एकदम धीरे धीरे स्लो स्लो बोल देंगे। 90% लोग कहते हैं यार इनकी सेमिनार में मजा नहीं आता, और वो आज भी उसी की सेमिनार में चार्ज हुआ, इतना भाग रहा कि स्टार डायमंड क्लब 6 महीने से लगातार कर रहा। वो ये दिमाग मत लगाना कौन आदमी किससे चार्ज हो जाएगा, आपका काम है सबको ला ला के बिठाते रहो, किसका किससे टांका फिट होगा आपको पहले पता नहीं है, आपका काम है सिस्टम को प्रमोट करना। एक सेमिनार हो रही है यूनिक एजुकेशन सिस्टम की, उसमें लोगों को लेकर आना है लीडर के, लीडर से ज्यादा फंक्शन को प्रमोट कीजिए, सिस्टम को प्रमोट कीजिए, लीडर को ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। बस मंथली मीटिंग होती है, आना है मतलब आना है, अपनी टीम के साथियों को सबको आना है, लेकर आना है, नए आदमी को आना है मतलब आना है, किसी भी लीडर का हो। लेकिन हमारे साथ यहाँ उल्टा है, कभी दिनेश चौधरी आ जाएंगे तो फुल भर देंगे हॉल को, कभी लीडर का नाम अगर छोटा है तो उसका हॉल का साइज कम हो जाएगा, और ये आपकी टीम के लिए खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि जो आदमी पहली बार अगर सेमिनार बहुत अच्छी हुई लेकिन गलत जगह पर वो आ गया तो हो सकता है एक बहुत अच्छे लीडर को खो दे। उसे पहले दिन से प्रिपेयर कीजिए कि एक ट्रेनिंग फंक्शन है, यहां पर आना है, क्योंकि हर लेक्चर की एक अलग विशेषता होती है, हर व्यक्ति की एक अलग विशेषता होती है, वो जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहा है उस सब्जेक्ट को ग्रहण करो। इससे क्या होगा, हर 50 लीडर को आप सुनोगे तो 50 तरह की नई बातें आपके अंदर आएगी और एक नया लीडर आप बन जाओगे। मेरे को जब मैं ट्रेनिंग में पहली बार आया तो मुझे मेरी अपलाई ने एक बात बताई थी कि भैया 100 मीटिंग अटेंड करो। मैंने कहा कर लूंगा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हर मीटिंग में 100 बातें होती है, कितनी बातें होती है, हर मीटिंग में 100 बातें होती है, लेकिन आदमी का दिमाग इतना कच्चा होता है कि 100 में से एक ही याद होती है। हर मीटिंग में कितनी बात याद होती है, एक। और 100 अटेंड कर लो तो कितनी बात याद होती है, 100। और फिर क्या 100 याद हो जाएगी तो आप मीटिंग नहीं ले सकते, ले सकते हो, वेरी लीडर बढ़िया लीडर। अभी तो बातें होती है मीटिंग में, तो आपने करने लगी क्योंकि आपने 100 अटेंड कर ली, एक एक याद रहती गई और आपका काम हो गया, हो जाएगा। आइएगा काउंसल विथ यूर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन मंथली। नीचे जगह नहीं बची, लिख नहीं रहा हूं, लिख लीजिए आप अपनी अपलाइन जो ग्रोइंग अपलाइन हो। अपलाइन का मतलब वो नहीं है जो ऊपर लटका हुआ है, अपलाइन का मतलब जो ऊपर तो है लेकिन ग्रोइंग है, जिसका बिजनेस हर महीने बढ़ रहा है, जो एक्टिव है, हमेशा मीटिंग और सेमिनार में ट्रेनिंग में आता है, उस अपलाइन के साथ आपको काउंसलिंग करनी महीने में एक बार करनी है, मतलब करनी है। अगर आपकी डाउनलाइन को आपको मजबूत बनाना है, महीने में एक दिन ऐसा डिसाइड होना चाहिए कि आप अपनी पूरी टीम के साथ उसमें बैठें। काउंसलिंग एक ऐसी चीज होती है जहां पर 1-to-1 बात होती है, जहां पर आप आमने सामने बात कर सकते हैं। सेमिनार में ट्रेनिंग में आपको बोलने का अधिकार नहीं होता, केवल सुनने का अधिकार होता है। काउंसिल ऐसी चीज है जहां पर 1-to-1 आप बात कर सकते हैं। मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, आप मेरे से भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो सही समय पर सही काउंसलिंग कर लेते हैं ना, वो बड़ी बड़ी समस्याओं से निजात पा लेते हैं। मूर्खतापूर्ण काम करने से अच्छा है मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लेना। कोटेशन क्या है, मूर्खतापूर्ण काम करने से अच्छा है मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लोगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा और काम कर दोगे पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट है, कर देंगे क्योंकि मेन लेक्चर में एक ट्रेनिंग की डेट आज ही डिसाइड कर लेंगे अपन। हाँ सर, उसके बाद अपन, उसके बाद अपन क्या अगली ट्रेनिंग में अपन बात कर लेंगे कोऑर्डिनेशन रूल्स की,
और कॉर्डिनल रूल इतने जरूरी है कि अगर आपने बेसिक कॉर्डिनल आपकी टीम में कॉर्डिनल रूल लगा दिया तो आपकी टीम को खतरा ही नहीं, किसी भी आदमी से कोई खतरा नहीं, क्योंकि आपकी टीम के कॉर्डिनल रूल आपको पता है कि इस आदमी को क्या करना, हर आदमी की गाइडलाइन उसके सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसको खत्म कर देते हैं। मैंने यूएस के बाद क्या बताया, और नंबर 8 और लास्ट कोर स्टेप का लास्ट पॉइंट है, बी कंसिस्टेंट एंड बी पॉजिटिव। दिनेश चौधरी के पास आप जाएंगे तो मेरी मजाक हमेशा बनाते हुए आपको मिलेगा कि मैं एक बार मुकेश जी के पास गया था, बिजनेस चालू किया था, बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, तो मैं उनके पास गया था तो वो कहते थे लगे रहो, मगर कहां लगे रहो, कुछ हो नहीं रहा, हर हाल में लगा। 5 साल का एक कोर्स है, कई उतार है कि कई चढ़ाव है। 18वां साल चल रहा है इस बिजनेस में, मुझे कई आदमी आए कई गए, किसने बर्बाद कर लिया अपने जीवन को, किसने बड़ी बड़ी बातें करके इस बिजनेस को छोड़ दिया, कोई इधर उधर घूम रहा है। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, आपको कंसिस्टेंट लगा रहना है, क्योंकि बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं ये अमीर गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली गाड़ी है। ये गाड़ी कहां जाने वाली है, गरीबपुर से अमीरपुर, लेकिन रास्ते में आता है होशियारपुर, जहां पर आदमी खुद अपना दिमाग लगा लेता है, वहां क्या गाड़ी 1 घंटा होल्ड रहती है, गाड़ी 1 घंटा खड़ी रहती है, तो हम दिमाग लगाते हैं सामने ये गाड़ी अब जाएगी नहीं, हो सकता है इसका इंजन खराब हो गया हो सकता है जितना ड्राइवर होगा ना उसको अटैक आ गया होगा, मन में सोचते रहते हैं अब ये कंपनी चलेगी नहीं भाई साहब, ये बाहर के रेट डूबने वाली है, दिमाग में आ रहा है, और आप डिसीजन लेकर कूद जाते हैं, जुड़ी कूदते गाड़ी चालू। लगे रहना है मतलब लगे रहना है, सफलता का कोई नियम नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का लॉन्ग कट ही सफलता का शॉर्टकट है। कोई भी आदमी आपको कहता ना हमारी कंपनी में कुछ करना ही नहीं पड़ता, आजा समझ लो दुनिया का सबसे फर्जी आदमी है, जब कुछ करना ही नहीं पड़ता तो तू मेरे पास करने क्या आया। हमारे यहां मेहनत नहीं करनी पड़ती तो मत करना मेहनत, मेरे पास क्यों आया, काम करना पड़ता है, और यहां पर काम करके ही आदमी हीरे बनते हैं, और आप सारे हीरे हैं, जिंदगी भर हीरे बने रहना है आपको। इस बिजनेस के बड़े बड़े अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ये 2018 सफलता का ईयर है, और इन 2018 में ऐसे ऐसे धमाके होने जा रहे हैं कि जिसके बारे में मुझे भी कुछ भी खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है और ना बोला जा सकता है। न्यूट्री चार्ज क्या पता नहीं क्या क्या लेके आ रहा है, गुड डॉट आपके लिए नए नए प्रोडक्ट आपके लेके आ रहा है, हरी संजय के पास 5 प्रोडक्ट पड़े हैं, जो एनिवर्सरी होगी 2018 की वो आपकी जिंदगी को एक बड़े मोड़ को रूप देगी, और हो सकता है ये 2018 का ईयर आपके पूरे जीवन में जाने वाला ईयर माना जाए, आपकी आने वाली पीढ़ियां इस ईयर को मनाए कि हमारे पिताजी का जन्म इस 2018 में हुआ था आरसीएम के अंदर, जिसकी वजह से और घंटी बज गई है, हम सब लोग खड़े होंगे, एक प्रतिज्ञा लेकर यहाँ से जाएंगे, प्रतिज्ञा आरसीएम बिजनेस की नहीं है, प्रतिज्ञा इस देश के लिए है और हमारे जीवन और अपने कमिटमेंट के लिए प्रतिज्ञा सब लोग लेंगे। अगली बार हम